हेलो गाइस, दिस इज कृष्णा अगेन ऑन एन अकेडमी प्लेटफॉर्म, और आप लोग के लिए लेकर आया हूँ बहुत अच्छे स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस, जिसमें हम लोग कवर अप करेंगे बहुत सारे पॉइंट्स ऑफ व्यू और बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स जो एग्जाम में आने के बहुत अच्छे चांसेस होते हैं। ठीक है, सभी लोग आ जाइए, कमर कस लीजिए, बहुत अच्छी सेशन चलेगी। ये एक लाइव टेस्ट होगा जिसमें स्टैटिक जीके का पूरा पार्ट कवर अप करूँ। ठीक है, मैं खुद एक वेरीफाइड टीचर हूँ और एक्सपीरियंसड रहा हूँ, SSB एक्सपर्ट रहा हूँ, और बहुत सारे एग्जाम्स मैंने क्वालिफाई किए, और आपको भी उसमें असिस्ट करूंगा। ठीक है, याद रखिएगा ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। पहले सभी कमेंट करो कि एक बार कि मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर सुनाई दे रही है या नहीं, फिर आगे प्रोसीड करते हैं हम लोग। इस पर आपको मिल जाएगा PDF, इस पर आपको मिल जाएगा मेरे आगे आने वाली क्लासेस के लिंक्स, आपको इस पर ऑन डिमांड क्लास मिल जाएगी, और साथ ही साथ आपके जितने ग्रुप में अच्छे दोस्त हैं वो बन जाएंगे, ढेर सारे लाइव टेस्ट होते हैं इसमें। सब्सक्रिप्शन चाहिए तो अभी ले लीजिए, 2-3 घंटे बचे हैं, उसके बाद 31 तारीख के बाद 1 तारीख नवंबर आ जाती है, जो कि बदल जाएगा सेशन का ड्यूरेशन। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपके डाउट क्लियरिंग सेशन भी आपको इस पे मिल जाएंगे। तो ये टेलीग्राम ग्रुप है, लेट्स क्रैक डिफेंस इसका नाम है, याद रखिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए कॉपी पेस्ट करके, और फिर जुड़ते हैं, आइए क्लास करते हैं। आपका कमेंट्स नहीं दिख रहा मुझे, वही कोशिश कर रहा हूँ देखने की कि कहीं सही चल रहा है सब। एक बार ही कमेंट कर दीजिए, कोई भी एक बंदा कमेंट कर दे कि हाँ सर क्लियर दिखाई दे रहा। चलिए ठीक है, ओके, आगे प्रोसीड करते हैं क्लास को। याद रखिएगा, अगर आप आज ही के दिन सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 31 तारीख है, आगे हर महीने इसके चार्जेस बढ़ने के चांसेस होते हैं। और अगर किसी भी सेक्शन में एडमिशन लेना चाहते हो, चाहे नीट है, चाहे कैट है, चाहे आप IIT का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, चाहे डिफेंस में लेना चाहते हो, या फिर आप चाहते हो IAS का सब्सक्रिप्शन, या फिर क्लास 6 से 12 का, तो ये मेरा यूनिवर्सल कोड है, मेरा यूनिवर्सल कोड है कृषि 007। इसे लगाकर आप 10% डिस्काउंट पा सकते हैं। याद रखिएगा, लाइव क्लासेस आपको मिलती है अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हो, डेली टेस्ट सीरीज देते हो, स्ट्रक्चर्ड कोर्स में इनरोल हो जाते हो साल भर 6 महीने के लिए, और अनलिमिटेड एसेस करने का मौका। ये प्लस की क्वालिटी है, लेकिन अगर आप प्लस की जगह पर प्लस के साथ साथ आइकॉनिक भी लेते हो, मतलब आइकॉनिक प्लस दोनों, तब आपको एक्स्ट्रा फायदा होता है कि आपको एक पर्सनल गाइडेंस मिलती है। गेट वन ऑन वन गाइडेंस फ्रॉम टॉप एग्जाम एक्सपर्ट, एक आप और एक आपका एक्सपर्ट। एक्सपर्ट तो वैसे 50-100 हजार बच्चों को एक साथ पढ़ाता है, लेकिन अगर आप आइकॉनिक लेते हो तो आपको सीधा सीधा फेस टू फेस पढ़ने का मौका मिलेगा। टेस्ट एनालिसिस, ज्यादातर बच्चे टेस्ट देते हैं और टेस्ट देकर छोड़ देते हैं, मार्क्स देखते हैं इतना मिला बस, क्या गलत किया, कौन सा सेक्शन वीक था, कितना वीक था, कितनी वर्कआउट करनी, ये सब चीजें टीचर समझता है। तो वो टीचर आपका टेस्ट का एनालिसिस करेगा। गेट वन ऑन वन गाइडेंस फ्रॉम टॉप एग्जाम एक्सपर्ट, ओके, आपको टेस्ट एनालिसिस में भी मिलेगा। याद रखिएगा, एक्सपर्ट की गाइडलाइन बहुत जरूरी होती है। तो स्टडी बूस्टर वर्कशॉप बाय एग्जाम एक्सपर्ट, एग्जाम एक्सपर्ट जो है आपको स्टडी को बूस्ट करने के लिए एक्सपर्ट एडवाइस देते रहेंगे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपका टाइम टेबल गड़बड़ हो जाता है, हर हफ्ते गड़बड़ होता है, तो हर दूसरे हफ्ते हम आपको रिव्यू करेंगे कि आप स्टडी कस्टमाइज के प्लान के हिसाब से पढ़ रहे हो या नहीं। ये केवल आइकॉनिक में ही मिलेगा आपको। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपका मटेरियल, मटेरियल मिल जाए तो पढ़ने का मजा ही कुछ और होता है। ठीक है, तो स्पेशलाइज्ड नोट्स और प्रैक्टिस सेट जो है आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है किसी भी सेक्शन में, खासतौर पर मैं सीरियस एफकेट और इसकी बात कर रहा हूँ, तो आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन 9,680 जो दिखा रहा है, आप कोड लगाएंगे तो 10% डिस्काउंट 8,712 का हो जाएगा, और कोड लगाइए कृषि 007। मैंने कहा ये यूनिवर्सल कोड है, हर जगह काम करेगा, तो एक बारी इसको ट्राई करिए। और अभी आज 2 घंटे बचे हैं, जो लिटरली आर्मी के लिए भी, जो 21 साल से 25 साल के बच्चे हैं, वो
सीडियस एफ कैट सीएपीएफ ट्राई करें, जो 17.5 से 19.5 साल के बच्चे हैं और वो लिटरली प्रिपेयर करके आगे के कंपटीशन को आसान करना चाहते हैं, 21 से 25 साल, वो अभी एक्टिव हो जाएं, तो ये कोड लगाएं और सब्सक्रिप्शन लें आज 2 घंटे के अंदर अगर लेते हैं तो फिर बेनिफिट है, अदरवाइज अगले 1 तारीख से तो बेनिफिट तो हर समय रहता है लेकिन ये है कि रेट बढ़ने के चांसेस। क्या चलिए आगे जो भी है आगे बढ़ते हैं, 12 महीने 24 महीने जैसा प्रिपरेशन करना चाहो, 6 महीने 3 महीने ले लो, ठीक है आगे बढ़ेंगे। स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चन है, 50 MCQs शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसा कि मैंने बताया है कि स्टैटिक जीके जब मैं पढ़ाता हूँ तो इकोनॉमिक्स को ध्यान में रखता हूँ, करंट अफेयर्स को ध्यान में रखता हूँ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखता हूँ, आर्ट एंड कल्चर को ध्यान में रखता हूँ। इन चारों के अलावा पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी तो मिलेगा ही मिलेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे और इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस, एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। तो कमर कस लीजिए, मेहनत करना शुरू करिए, कहीं पर कोई डाउट हो तो मुझसे डिस्कशन करिए। गॉट इट? तो चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-20 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे भारतीय अर्थव्यवस्था का स्प्रिंट रनर कहा गया? डोंट यू थिंक दैट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट विल डेफिनेटली बी आस्क्ड इन ऑल द एग्जामिनेशन ऑफ 2021 एंड इवन जो दिसंबर में भी एग्जाम होने वाले होते हैं उसमें भी आने के चांसेस हैं। 14 नवंबर को एग्जाम है सीडीएस का और देखिए ये क्वेश्चन स्प्रिंट रनर करके क्वेश्चन जरूर आएगा इंडियन इकोनॉमी में क्या होता है, और नहीं तो आपको पता होना चाहिए, आप ये वर्ड कहीं अपने डिस्कशन में यूज करते हैं तो काफी अच्छा इंप्रेशन आपका पड़ता है। तो एक बारी कमेंट करके मुझे बता दो क्या आंसर पे टिक लगाया जाए। कोशिश करो विनिर्माण को, मीडिया को, कृषि को या डिजिटल प्रौद्योगिकी को, डिजिटल प्रौद्योगिकी भी और मीडिया भी, ये दोनों में से एक होना चाहिए मुझे लग रहा है, स्प्रिंट रनर। चलो देखते हैं, राइट आंसर है डी। याद रखिएगा इकोनॉमिक सर्वे इज प्रेजेंटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया एवरी ईयर। इकोनॉमिक सर्वे होता है, इसकी स्टडी भी हम लोग आईएएस वाले करते हैं, आप भी यूपीएससी के अंडर में आते हैं सीडीएस वाले, ध्यान से देखिएगा यूपीएससी आईएएस से एक कदम पीछे है सीडीएस, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स और फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के अंडर में एवरी ईयर इकोनॉमिक सर्वे होता है, ठीक है, इन द पार्लियामेंट जस्ट बिफोर द यूनियन बजट, यूनियन बजट पास होने के पहले। तो ये इसका आंसर स्प्रिंट रनर होना क्या चाहिए था, डिजिटल टेक्नोलॉजी शुड बी द राइट आंसर। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट क्लास देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो डिजिटल प्रौद्योगिकी इसका सही आंसर होगा। और एक और चीज ध्यान दीजिएगा कि 4 पिलर ऑफ स्ट्रेटजी ऑफ कंटेनमेंट, फिजिकल, फाइनेंशियल एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स, इंडिया अडॉप्टेड अ यूनिक 4 पिलर स्ट्रेटजी ऑफ कंटेनमेंट, पिलर नंबर 1, फिजिकल पिलर नंबर 2, फाइनेंशियल पिलर नंबर 3 और लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल रिफॉर्म पिलर नंबर 4 है। ये याद रखिएगा जीडीपी एस्टिमेशन, इंडिया रियल जीडीपी टू रिकॉर्ड ग्रोथ ऑफ 11% 2020 में, इतना आने वाला, अच्छा बहुत डाउन हो गया था, अब ऊपर उठेगा, एंड नॉमिनल जीडीपी बाई 15.4%, द हाईएस्ट सिंस इंडिपेंडेंस, अभी तक हाईएस्ट लगाया गया है, ठीक है, जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेटेड है, बाकी डिटेलिंग पढ़िएगा, फाइनेंशियल ईयर से कंपेयर किया है पिछले, FY मतलब होता है फाइनेंशियल ईयर, याद रखिएगा। प्रोड्यूस्ड लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो आई है इन द 10 की सेक्टर्स गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, आत्मनिर्भर भारत फॉर एनहेंसिंग इंडिया मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज एंड एक्सपोर्ट की बात है, आत्मनिर्भर भारत देखे होगी आजकल फेसबुक व्हाट्सएप पे हर जगह इसका मजाक उड़ाया जा रहा है, लेकिन ये एक अच्छी स्कीम है जो कि आपको लिटरली इंडिपेंडेंट बना देगी।
इंडियाज एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज की ग्रोथ 3.4 है, थोड़ी सी कम है कोविड-19 की वजह से, हर चीज की ग्रोथ थोड़ी थोड़ी कम है। खैर चलो आगे बढ़ते हैं। भारत में बजट का राजस्व अनुमान किसके द्वारा तैयार किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अल्टीमेट क्वेश्चन। तो भारत में बजट का राजस्व अनुमान जो तैयार किया जाता है वो करता कौन है? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, कैबिनेट सचिवालय, संबंधित आयोग या वित्त मंत्रालय, कौन करता है? आप लोगों के कमेंट्स लेट आ रहे हैं या दिख नहीं रहे, जरा देखो एक बारी। नहीं आ रहे, देख नहीं रहा है कोई, ये बात है। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ आ क्यों नहीं रहा। चलो कोई ना, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी ध्यान देंगे। बजट, भारत में बजट का राजस्व अनुमान जो तैयार किया जाता है वो कौन करता है? तो बताएंगे कि वो आपका वित्त मंत्रालय करता है। याद रखेंगे, बजट का राजस्व अनुमान जो है, द एस्टिमेट ऑफ द बजट, रेवेन्यू एस्टिमेट ऑफ द बजट, आर्टिकल 112 या 124 ऐसे ही कुछ था ना। 110 तो धन विधेयक में आ जाता है, या वित्त विधेयक, धन विधेयक में आता है। तो 112, 124 के उस में, 112 या 124 का सेंस, खैर वॉट एवर। तो इसका पूरा का पूरा एस्टिमेट जो कौन प्रिपेयर करता है, तो वित्त मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको प्रिपेयर करते हैं। चलिए देखते हैं थोड़ा सा। फिजिकल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, बजट क्या है? एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द फिजिकल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, आय और व्यय का लेखा जोखा, एनुअल फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट बजट कहा जाता है, फिजिकल रोड मैप ऑफ द कंट्री फॉर द नेक्स्ट ईयर, अगले साल कितना बनेगा, कहाँ खर्चा, किस चीज में खर्चा, ये सब पहले रेल बजट के साथ मिलकर आता था। एक्वर्ड कमेटी के अंदर रेल बजट आता है, बट अब वो अलग हो गया। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज कंसल्टेशन विथ नीति आयोग, योजना आयोग जो थी पहले, अब वो नीति आयोग है, एंड अदर कंसर्न मिनिस्ट्री से पहले क्या करता है, डिस्कशन करता है। बजट डिविजन और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिकल अफेयर, DEA, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिकल इकोनॉमिक अफेयर्स इन द फाइनेंस मिनिस्ट्री इज अ नोबल बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल एंड प्रोड्यूसिंग द बजट। तो DEA याद कर लो, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। बात समझ आई? आगे बढ़ेंगे। द फाइनेंशियल मिनिस्टर प्रेजेंट्स द बजट, फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री पेश करते हैं, लोकसभा में करते हैं। 2016 इट वॉज प्रेजेंटेड इन द लास्ट डे ऑफ फरवरी, फरवरी 28 या 29 फरवरी को प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन अब से 2017 से ये 16 से पहले लास्ट फरवरी में किया जाता था, लेकिन अब 1 फरवरी को किया जाता है। समझ गए, इसका रोटेशन चेंज कर गया, 1 फरवरी हो गया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की प्रमुख आयात वस्तु है? जूट और कपड़ा भारत आता है, आयात होता है, जाता है तो निर्यात होता है, इम्पोर्ट कहा जाता है इसको, आयात को इम्पोर्ट कहा जाता है। कहते हैं ना, इम्पोर्टेड वॉच है, इम्पोर्टेड कार है, बाहर से मंगाई है विदेश से, तो इम्पोर्टेड महंगी हो जाती है क्योंकि इस पर टैक्स लग जाते, लेवीज लग जाते हैं। तो जूट कपड़ा हम आने देते हैं अपने देश में, चाय आने देते हैं कि रत्न आभूषण की कच्चा तेल? यार कॉमन सेंस से आंसर देना, कॉमन सेंस से। ठीक है, लगाओ दिमाग और बताओ मुझे। चलेंगे तो बताएंगे, कच्चा तेल, मैं रहता तो कच्चा तेल पे ही टिक लगाता, क्योंकि यार देखो भारत में हमारे यहाँ जूट और कपड़ा की कमी नहीं है। अंग्रेज लोग यहाँ से जो है, देखो जैसे मैं बताऊं, काली मिट्टी मिलती है महाराष्ट्र वाले सेक्शन में, तो कपास की खेती होती है, शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं। सिंडन, सिंडन जो हमारे यहाँ हो रहा है, ये कपास कहा जाता था, इंडस वैली सिविलाइजेशन और लेटर वैदिक कल्चर के समय से सिंडन कहा जा रहा, मतलब कपास हमारे यहाँ उगता था, यही कच्चा माल लेकर इंडस्ट्रियलाइजेशन बनाया गया हमारे यहाँ, इंडस्ट्रियलाइजेशन ओपन हुआ, और यही अंग्रेज ले जाकर इसका कपड़ा बनाकर हमारे यहाँ बेचते थे। तो जूट और कपड़ा हमारे यहाँ अपार है। चाय हम जानते ही, हमारे यहाँ से निर्यात की जाती है भैया, चाय, दूध, गेहूं और इन सब चीजों का तो हमारे यहाँ एकदम अपार वो है। तो चाय असम का वो है, हेड है। रत्न और आभूषण आपको पता है, वैसे तो देखा जाए
रत्न आभूषण थोड़े से मुस्लिम एरिया जैसे अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, यहाँ से आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ भी रत्न आभूषण शुरू से रहे क्योंकि मुस्लिम लोगों ने यहाँ शासन किया, ढेर सारे रत्न आभूषण छोड़ गए, और हमारे यहाँ कोस्टल एरिया है वो भी मिल जाता है। कच्चा तेल हमारे यहाँ नहीं मिलता, हमको ये मंगाना पड़ता है क्रूड ऑयल, इसीलिए तो महंगा पड़ता है, देखे होगे तेल की कीमत तो बढ़ गई है। चले आगे बढ़े, बोला कि भैया 20% क्रूड ऑयल ऑफ इट्स डिमांड एंड द रेस्ट 80% इज इम्पोर्टेड फ्रॉम अब्रॉड। इंडिया तो अपना 20% खुद प्रोड्यूस कर लेता है, 80% हम बाहर से मंगाते हैं। अब बाहर से मंगाने में कई देश पार करके आता है तो कई तरह के लेवी टैक्सेस लगते हैं, ठीक है, कोटा टैरिफ लगता है, उसके बाद बीच में जो है लोडिंग अनलोडिंग का पैसा, ऊपर से शिप चार्जेस, शिप के चार्जेस, ट्रैवल चार्जेस, रिस्क की सेफ्टी सब इम्पोर्टेंट है ना, और उसके बाद यहाँ से उतरता है तो अलग अलग डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, मतलब बहुत बड़े लेवल पर पैसा खर्चा करता है भारत। अगर हमारा अपना खुद का तेल प्रोडक्शन होता तो हमारा ये पूरा पैसा बच जाता और देश की वृद्धि में लगा देते। क्रूड ऑयल एंड अदर रिलेटेड प्रोड्यूस अकाउंट ऑफ द 22% टोटल इम्पोर्ट ऑफ इंडिया। कैपिटल गुड्स में क्या क्या चीजें आती है समझिए, मशीनरी है, बेस मेटल है, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स, विच अकाउंट्स फॉर 92.2% ऑफ द टोटल इंडियन इम्पोर्ट्स। थर्ड स्पॉट देखो, फर्स्ट स्पॉट में ये आ गया, सेकंड स्पॉट में हमारा क्या जाता है मशीनरी, बेस मटेरियल, और ये सब मंगाते हैं, और तीसरे स्पॉट में हम सबसे ज्यादा कहाँ खर्चा करते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरीज तीसरे नंबर पे हम मंगाते हैं बाहर से, समझे। फोर्थ एंड फिफ्थ नंबर पे देखा जाए तो हम केमिकल रिलेटेड प्रोडक्ट्स मंगाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मंगाते हैं, मतलब मोबाइल वोबाइल जो वीवो ओप्पो आप मंगा रहे हैं ये फिफ्थ नंबर पे आता है। एक फ्लो याद कर लेना, पहले नंबर पे क्रूड ऑयल है, सेकंड नंबर पे जो हम मंगाते हैं वो कैपिटल गुड्स मतलब मशीनरी, बेस मेटल, और ये है, तीसरे नंबर पे जो हम मंगाते हैं वो इम्पोर्ट्स एंड जेम्स एंड ज्वेलरीज है के, और जो चौथे नंबर पे वो मंगाते हैं वो हम क्या मंगाते हैं, केमिकल एंड उससे रिलेटेड प्रोडक्ट, फार्मेसी से रिलेटेड, पांचवें नंबर पे हमारा इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है। गॉट इट। निम्नलिखित में से किस देश भूमध्य सागर पर, कौन सा देश भूमध्य रेखा पर स्थित नहीं है, भूमध्य रेखा बोले तो बिल्कुल बीच से जारी होती, इसी को इक्वेटर 0 डिग्री लाइन बोलते हैं। अब इक्वाडोर और कोलंबिया में से इक्वाडोर तो जहां तक मुझे याद है इक्वेटर है, तभी तो इक्वाडोर है, ये तो होना चाहिए, मेरा कॉमन सेंस कहता है। युगांडा और सोमालिया भी इक्वाडोर के पास ही आसपास पड़ते हैं तो उसको टच जरूर करेगा। फिलीपींस और वियतनाम, मालदीव और इंडोनेशिया, यार मालदीव 0 डिग्री से होकर जाता है इंडोनेशिया से, बहुत क्लोज ऑप्शन हैं, जरा सोचिए और बताइए, सभी कोशिश करिए। कौन सा देश भूमध्य रेखा पर स्थित नहीं है, तो चलिए आइए देखते हैं, इक्वाडोर है, कोलंबिया है, ब्राजील है, साओ टोमा प्रिंसिपे, गबन है, कॉन्गो है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, युगांडा है, केन्या है, सोमालिया है, मालदीव है, इंडोनेशिया है, किरिबाती है, तो कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन सी, और वो ऑप्शन सी में था क्या, तो देखेंगे ऑप्शन सी में फिलीपींस और वियतनाम नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा। फिर से कौन कौन से इक्वेटर पर है मैं बता दूं, इक्वेटर एक इमेजिनरी लाइन है, 0 डिग्री पर लाइन ही ना कहिए इसको, सर्कल कह लीजिए, ठीक है, मैं बता दूं 0 डिग्री सर्कल है, सबसे बड़ा सर्कल माना जाता है, ग्रेट सर्कल भी इसको कहते हैं, पोल पर 90 डिग्री होता है, इस पोल पर 90 डिग्री होता है, ये सब लेटी हुई है इसलिए लेटीट्यूड कही जाती है, कुल मिलाकर 181 लेटीट्यूड्स होती हैं अगर जीरो को काउंट करें तो, अगर जीरो को काउंट ना करें तो 180, अगर पोल्स को न तो लाइन है न सर्कल है इसको बिंदु मानते हैं तो इसको छोड़कर इक्वेटर को लेकर 181 - 2 करेंगे तो 179, और इनके बीच की डिस्टेंस 111 किलोमीटर मानी जाती है जिनको गोरे बोलते हैं, याद रखना
ये फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट खींची जाती है जैसे पृथ्वी घूमती है। आई मेरी बात समझ? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री पर खींची जाती है, आर्कटिक सर्कल 66.5, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी 23.5 डिग्री साउथ में खींची जाती है, अंटार्कटिक सर्कल जो है वो आपका 66.5 डिग्री पर खींचा जाता है। आ गई बात समझ? गुड। नेक्स्ट, तो याद रखिएगा हाफ वे बिटवीन द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल इज इक्वल टू 0 डिग्री के बीच में। यहां से उधर चलो या उधर, पोल से ऊपर की तरफ जाने पर ठंडी पड़ती है, मतलब इक्वेटर से पोल पर जाने पर ठंडी पड़ती है, लेकिन पोल से इक्वेटर आने पर गर्मी पड़ती है। याद रखना ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और साउदर्न हेमिस्फेयर के सेक्शन में बांटता है। ओके, खैर वॉट एवर, 13 देश टच होते हैं। अब इसको एक बार फिर से मैं याद कराऊंगा, क्योंकि आज याद कर लो, जिंदगी भर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी कमर कस लो। इक्वाडोर इक्वेटर से है, याद रहेगा। कोलंबिया ब्राजील, कोलंबिया कहां पर पड़ता है? अच्छा मुझे बताओ, भारत के यहां से इक्वेटर जाता है तो श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्रीलंका की राजधानी क्या है? कोलंबिया ही तो है, नहीं कोलंबो है। ओके, कोलंबिया अलग है, ठीक है। मैप रहता ना तो थोड़ा सा मैं दिखा लेता, चलो ठीक है। कोलंबिया ब्राजील, साओ टोम एक अजीब सा नाम है, याद रहेगा। गैबन याद रहेगा मुझे, कॉन्गो, गैबन है, कॉन्गो रिपब्लिक डेमोक्रेटिक दोनों, युगांडा, केनिया, सोमालिया, ये सब याद रहेगा। मालदीव याद रखेगा, क्योंकि भारत के नीचे से जा रहा है तो मालदीव होगा, लेकिन श्रीलंका इसमें नहीं आया। इंडोनेशिया है और किरिबाती है, कुल मिला के 13। मुझसे अब दोबारा कभी कोई पूछे तो मैं तो बता लूंगा, अब आप लोग अपना थोड़ा सा इनहेंस करिए और बताइए मुझे, ठीक है? चलें आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन बोला है कि भैया कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मध्य रेखा तीनों गुजरती है। वाह, ये इतना बड़ा महाद्वीप कौन सा है भैया? एशिया हो सकता है, और कौन हो सकता है इतना बड़ा महाद्वीप, और कौन हो सकता है? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, देखो चलो मैप अगर हम बनाए तो बिल्कुल बीच से भी एशिया आता है। यूरोप आता है इधर, एशिया का भारत तो इससे ऊंचा नहीं है, सबसे नीचे भारत है, और फिर अफ्रीका, अफ्रीका आ रहा है, एक अफ्रीका चांस होना चाहिए था। बोला कि कौन सा एकमात्र महाद्वीप है, दक्षिणी अफ्रीका तो नीचे आ गया, ये महाद्वीप नहीं है, ये ऑप्शन कट जाएगा। पूछा महाद्वीप, तो ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है, एशिया और अफ्रीका, मैं रहता तो अफ्रीका पे टिक लगाता, अब आप बताइए। चलिए देखते हैं क्या आंसर होगा, सोचो। कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों से ऐसे होकर जाता है। तो कर्क और भूमध्य तो चलो ये दोनों मान लो एशिया को भी टच करती है, क्या मकर रेखा भी एशिया को टच करती है? नहीं, मान लो ऑस्ट्रेलिया को मकर रेखा और कर्क रेखा टच करती है, मकर रेखा और विषुवत रेखा, लेकिन कर्क रेखा नहीं। तो ये इतना बड़ा एरिया मुझे लगता है अफ्रीका ही होगा, तो मैं रहता तो अफ्रीका पे टिक लगाता और सही हो जाता आंसर। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाया, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के हिसाब से देखा जाए तो अफ्रीका राइट आंसर है, इक्वेटर भी जाती है इससे होकर, ठीक है? इक्वेटर साउदर्न हेमिस्फेयर में, साउदर्न अमेरिका, एशिया और अफ्रीका से होकर जाती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किससे होकर जाता है? अफ्रीका से होकर जाता है, नॉर्दर्न अमेरिका से होकर जाता है, एशिया से होकर जाता है, ठीक है? और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो अमेरिका से होकर जाता है, अफ्रीका से होकर जाता है, ऑस्ट्रेलिया, तो देखा जाए तो अफ्रीका तीनों में आया ना, इसमें भी अफ्रीका आया, इसमें भी अफ्रीका आया, इसमें भी अफ्रीका आ ही गया, तो राइट आंसर अफ्रीका। हाउएवर हेंस द अफ्रीका इज द ओनली कॉन्टिनेंट, टॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड कैप्रिकॉर्न तीनों जाता है। गुड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? ये क्वेश्चन हर बार हर एग्जाम में पूछा जाता है, जरा आंसर दीजिए, क्या बोल रही पब्लिक?
बताएंगे भैया क्षुद्र ग्रह देखे होंगे। देखो मैं थोड़ा सा मैप बना के समझाता हूँ, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ये है सूरज, सूरज के सबसे करीब होता है वीनस, मरकरी, मरकरी इसको बोलते हैं माई वेरी इफिशियंट मदर, जस्ट सर्व्स, एनसीईआरटी पढ़ते होगे तो जानते होगे, सर्व्स अस नट नट्स, तो मतलब मरकरी, मरकरी वीनस अर्थ मार्स जुपिटर सैटर्न यूरेनस और नेपच्यून। ऐसे मैं थोड़ा सा कुछ फैक्ट्स इसके बारे में बता दूं। मरकरी सबसे छोटा है, इसका कोई उपग्रह नहीं होता, 88 दिन में पूरा चक्कर लगा लेता है, लेकिन रोटेशन इसका सबसे लंबा होता है, सबसे कम रोटेशन अर्थ का होता है। वीनस जो होता है इसको सुंदरता की देवी कहते हैं, ब्यूटी ऑफ गॉड, भोर का तारा, सांझ का तारा, सबसे चमकीला ग्रह, प्रेशर कुकर कंडीशन गैस और पृथ्वी की भगिनी वीनस को कहा जाता है। अर्थ सब जानते ही हो, कुछ बताने ही नहीं। इसकी स्पेशल क्वालिटी यह है कि बाकी सारे ग्रहों में सबसे जल्दी दिन, सबसे छोटा दिन इसी का ही होता है क्योंकि इसकी रोटेशन स्पीड ज्यादा है, बाकियों की बहुत कम है। मार्स को मंगल ग्रह कहते हैं, यहाँ पर जीवन संभव है। मार्स और अर्थ जो है गोल्डी लॉक जोन में आते हैं। गोल्डी लॉक जोन क्या होता है तो बताएंगे कि भैया जहां पर टेम्परेचर बहुत मॉडरेट होता है, जीना संभव है, तो ये दोनों आते हैं। इसका भी कोई उपग्रह नहीं, लेकिन मार्स का उपग्रह है। चंद्रमा का, पृथ्वी तो चंद्रमा है, मार्स का है फोबोस और डिमोस, याद रखिएगा दो उपग्रह हैं इसके। ठीक है, क्यूरोसिटी रोवर इसी पर गया था, मंगलयान इसी पर गया था। जुपिटर याद रखिएगा, जुपिटर जो है सबसे बड़ा ग्रह है, सैटर्न जो है जुपिटर से सेकंड नंबर पे आता है, इसके सबसे ज्यादा उपग्रह है। यूरेनस जो है ये उल्टा लेटा हुआ ग्रह कहलाता है, उल्टा घूमता है। नेपच्यून सबसे दूर का ग्रह है, याद रखेंगे। अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि भैया एस्टेरॉयड बेल्ट कहाँ पाई जाती है, तो बताएंगे कि मार्स और जुपिटर के बीच में सूरज के चारों तरफ एक छोटे छोटे कण है, तो इन्हीं को हम बोलते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट, जो कि मार्स और जुपिटर के बीच में पाई जाती है। गॉट इट। गैनिमिड बृहस्पति का सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है, शनि का जो है वो टिटान है। तो क्षुद्र ग्रह कौन से दो ग्रहों के बीच में, तो मंगल और बृहस्पति, मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो एक्सप्लेनेशन अगर देखना चाहो तो, लेकिन मैंने इतने अच्छे से समझा दिया है कि देयर इज नो नीड टू सी इट अगेन। इज दैट क्लियर? गॉट इट? एवरीबॉडी गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक लघु प्लेट नहीं है? देखो पहली चीज, नाजका, अरबिया, फिलीपींस, अंटार्कटिका, आपको प्लेट पता होनी चाहिए कि आखिर होती क्या है। आनंद जी बी आंसर दिए हैं, किसका आंसर बी है ये भी बता दीजिए एक बार जरा, ताकि मैं कंफर्म हो जाऊं। अब इस चीज को समझो, प्लेट आखिर होती क्या है। जब पृथ्वी ठंडी हुई, और मैं पृथ्वी को ऐसे दिखाऊं अगर मैप पर, तो ये ढेर सारे पार्ट्स में टूट गई, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अंटार्कटिका, तो ये छोटी छोटी प्लेट्स हैं ये सब, ऐसी समुद्र के अंदर डूबी हुई भी कुछ प्लेट्स हैं। ये प्लेट्स मूव करें, ये वाली इधर, ये वाली इधर, इसीलिए भूकंप और ज्वालामुखी आते हैं। तो ये प्लेट्स पूछ रहा है कि कौन सी माइनर प्लेट नहीं है, मेजर प्लेट है। नाजका, अरबिया, फिलीपींस या अंटार्कटिका? तो जहां तक मैं जानता हूं कि अंटार्कटिका बहुत बड़ा पोर्शन है, तो ये आंसर होना चाहिए था, क्योंकि बाकी सब प्लेट्स इतनी छोटी हैं कि ये कहीं दिखती भी नहीं, अंदर सबमर्ज्ड है, लेकिन अंटार्कटिका दिखती है। तो मैं रहता तो डी पर टिक लगाता। याद रखिएगा, मेजर प्लेट्स और माइनर प्लेट्स की लिस्ट दी हुई मैंने। मेजर प्लेट्स, माइनर प्लेट्स में क्या अरेबियन आता है, छोटा है, कैरेबियन आता है, कोकोस आता है, जॉइन डी फूका प्लेट आती है, नाजका प्लेट आती है, फिलिपाइन प्लेट आती है, स्कोटिया प्लेट आती है। तो ये सारी प्लेट्स छोटी प्लेट्स हैं। मेजर प्लेट्स में अफ्रीका आता है जो दिखता है,
अंटार्कटिका आ जाए जो दिखता है, यूरेशिया दिख रहा है, इंडो ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है, नॉर्दर्न अमेरिका, पैसिफिक, साउदर्न अमेरिका, ये सब दिख रहे हैं आपको। देखिए सारे दिख रहे हैं, ये है नॉर्दर्न अमेरिका, ये है साउदर्न अमेरिका, ये है पैसिफिक, ये भी है पैसिफिक, इधर से एशिया, यूरेशिया, ये दोनों यूरोप और एशिया वाले पोर्शन को, यूराल पर्वत के पास, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सब बड़े बड़े हैं, समझे? तो ये सब बड़ी प्लेट्स आ जाती, कॉमन सेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट है, ये इसकी खोज करी थी हैरी हैस ने, हैरी हैस ने करी थी, याद रखिएगा, इसका सपोर्ट किए थे वेगनर। और ऐसे ही कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, केवल जो दिख रही बड़ी प्लेट्स, इन प्लेट्स की स्टडी किए थे क्या नाम था उसका, मॉर्गन, ठीक है, वैगनर या मॉर्गन ही था, याद आ रहा मुझे, शायद मॉर्गन ही था, वैगनर ने इसकी खोज की थी, मॉर्गन ने एक्सप्लेनेशन किया था। हाँ, वैगनर ने मेजर बड़ी प्लेट्स, या फिर जिसको प्लेट टेक्टोनिक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कहते हैं, हैरी हैस और मॉर्गन ने प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट का कॉन्सेप्ट दिया था। चलो खैर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भैया टुंड्रा जलवायु का प्रतिनिधित्व कौन करता है? पीटीईटी, सीएसएफ, एएफ, टुंड्रा क्लाइमेट का वो क्या है, मतलब सिंबल रिप्रेजेंटेशन क्या है? टुंड्रा को पीटी बोलते हैं, टुंड्रा को ईटी बोलते हैं, टुंड्रा को सीएस बोलते हैं, कि टुंड्रा को एएफ बोलते हैं, बोलते क्या हैं टुंड्रा को? तो बताएंगे टुंड्रा को हम ईटी बोलते हैं। देख लीजिए मैं दिखा दूं, टुंड्रा क्लाइमेट रीजन होता क्या है, जो 70 से 75 क्लाइमेट ऑफ लैटिट्यूड में पड़ता है, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, थोड़ा ठंडा है, पोल के पास, मतलब ये टॉपिक ऑफ कैप्रिक, सॉरी आर्कटिक सर्कल के आसपास पड़ता है, उससे ऊपर और ऊपर, मतलब पोल के पास, मोस्टली अलोंग द आर्कटिक कोस्ट, नॉर्दर्न अमेरिका, ठीक है, यूरेशिया, या फिर ग्रीनलैंड, जो ठंडे, बहुत ठंडे, बर्फीले वाले देश, यहाँ रहना कठिन है, तो उसको बोलते हैं टुंड्रा। इट इज एब्रिविएट ईटी, क्यों? इन द कोपेन गेंगर पोल सिस्टम, टुंड्रा क्लाइमेटिज्म, देखो इसका शॉर्ट वर्जन है किसी लैंग्वेज में, या किसी, जैसे होता है एस आई यूनिट या सीजीपी यूनिट है, ऐसे करके कोई होता है, उस सिस्टम में इसी टुंड्रा क्लाइमेट का सिम्टम बना है ईटी, ठीक है, याद रखिएगा, टुंड्रा क्लाइमेट इज अ मेजर क्लाइमेट टाइप ऑफ कोपेन क्लासिफिकेशन कैरेक्टराइज्ड बाय, कैसा होता है टुंड्रा, तीन क्वालिटी, सब फ्रीजिंग, बिल्कुल फ्रीजिंग 90 डिग्री है, उससे नीचे 75-75 पे आएंगे तो क्या होगा, सब फ्रीजिंग, लगभग लगभग उप कप्तान जैसे होता है ना, वही है एनुअल टेम्परेचर, सब फ्रीजिंग कंट्रोल, लार्ज एनुअल टेम्परेचर रेंजेस बट नॉट एज लार्ज एज इन द एडजेसेंट कॉन्टिनेंट सब्ट्रैक्ट क्लाइमेट, मॉडरेटली लो प्रेसिपिटेशन, बारिश नहीं होती, बर्फ गिरती है, तो ये दो क्वालिटीज होती है किसकी, टुंड्रा प्रदेश की। एरिया बता दिया, ज्योग्राफिकल एरिया बता दिया, ठीक है, किस कारण से इसको ईटी कहते हैं ये बता दिया, तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं ये बता दिया, तो ऑप्शन बी, ईटी विल बी रिप्रेजेंटेटिव वर्ड फॉर द टुंड्रा जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर लाइव क्लास है क्या? ऑब्वियसली हर्षित लाइव है, हर्षित आई एम ऑडिबल ना, तो बताएंगे राइट आंसर, ओके डन, आ जाओ, दो ज्वालामुखी द्वीप भारत में कौन है, वाह, न्यू मूर द्वीप और बैरन द्वीप, नारकोंडम और बैरन, कावारत्ती और ग्रेट अंडमान, ग्रेट अंडमान और न्यू मूर द्वीप, मुझे बताइए कि किस पर टिक लगाओगे, भारत में ज्वालामुखी मतलब कहाँ पे, गुजरात में,
मुंबई में, जम्मू कश्मीर में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, साउथ में कहीं पर, श्रीलंका के पास, अंडमान में, या निकोबार में, या लक्षद्वीप में, क्या ये सेवन सिस्टर्स में, कि सिक्किम के पास? अगर है तो क्या नाम है उसका, ज्वालामुखी द्वीप का क्या नाम है? एक सुषुप्त है और एक है एक्टिव, सोच के बताइएगा। या ओके, अजय बहुत अच्छे, डी ऑप्शन, अजय ने बोला डी। हर्षित क्या बोलते हो, आनंद क्या बोलते हो? ग्रेट अंडमान, नहीं बिल्कुल, नारकोंडम और बैरन इज द राइट आंसर, याद रखिएगा हमेशा। अंडमान और निकोबार, अंडमान निकोबार में जो ये पड़ता है, नारकोंडम और बैरन, यही भारत में दो ज्वालामुखी है, हमेशा इंटरव्यू में भी पूछता है, बहुत से लोग जवाब नहीं दे पाते, तो याद रखेंगे नारकोंडम और बैरन द्वीप, यही एक स्मॉल वोल्केनिक आइलैंड है अंडमान में, और नारकोंडम अंडमान में है, कोंडम अंड अंड मंड कोंडम एक जैसा लग रहा, ठीक है, अंडमान में भी डैम आ रहा, कोंडम में भी डैम आ रहा, बैरन आइलैंड जो है वो अंडमान सी में तो पड़ता है, बैरन वोल्केनो कहा जाता है, छोटे अंडमान के आसपास कहीं साउथ एशिया में। कावारत्ती तो ये लक्षद्वीप की क्या है, यूनियन टेरिटरी की राजधानी। लक्षद्वीप किससे बना है तो बताएंगे, अंडमान निकोबार ज्वालामुखी उद्गार से बना है, लेकिन लक्षद्वीप जो बना है वो कोरल से बना है, कोरल्स के कैल्शियम कार्बोनेट की कवर है। ग्रेट अंडमान और न्यू मूर द्वीप क्या है, ग्रेट अंडमान सब जानते हो, ग्रेट अंडमान में ढेर सारे द्वीप आते हैं, इसलिए इसको आर्किपेलागो कहा जाता है, ठीक है। अगर मैं कहूं कि न्यू मूर द्वीप कहां पर है तो बताएंगे साउथ तलपत्ती ऑन न्यू मूर द्वीप, इसी को न्यू मूर द्वीप कहा जाता है, तलपत्ती याद रखना, बे ऑफ बंगाल में पड़ता है, ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा के आसपास बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भैया बेगम हजरत महल जो थी कहां से विद्रोह करी थी? बेगम हजरत जीनत महल तो चलो याद है कि दिल्ली से करी थी, अब हजरत महल दिल्ली से ही करी थी क्या? देखो 1857 की क्रांति के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां से मेन गेम ट्विस्ट हुआ था, भारतीयों की हिम्मत हुई थी कि अंग्रेजों के खिलाफ कुछ बोलें, और बोला भी था, तो जरा बताइए किस पर टिक लगाया जाए। तो बताएंगे कि विद्रोह में बेगम हजरत महल ने निम्नलिखित में से किस स्थान में विद्रोह का नेतृत्व किया? तो बनारस, लखनऊ, झांसी और दिल्ली में, लखनऊ में हजरतगंज है ना, आज भी इन्हीं के नाम पर तो है, याद रखिएगा। बेगम हजरत महल जो थी राजा जलाल सिंह, सपोर्ट कौन किया था, अकेले तो की नहीं, ये औरत है, तो राजा जलाल सिंह ने साथ दिया था, याद रखेंगे, जब वो मर गई तो लखनऊ मतलब अवध ना, जब वो मर गई तो 11 साल का लड़का उनका बिरजिस कादिर नाम था, कादरस उसको क्या कहते हैं, बना देते हैं। और याद रखिएगा बेगम हजरत महल का टॉम्ब कहाँ पर है, बहुत बार लोग सोचते हैं कहाँ लगाएं, तो बताएंगे जामा मस्जिद के पास, काठमांडू नेपाल के आसपास पड़ता है। 15 अगस्त 1962 को हजरत महल को ओल्ड विक्टोरिया पार्क के हजरतगंज में क्या किया गया, सम्मानित किया गया, ठीक है, क्योंकि उन्होंने वो किया था, कब सम्मानित किया गया, अभी आजादी के बाद, ओके, गॉट इट ना। स्पीड में इसलिए चल रहा हूं कि बहुत सारी चीजें भी बतानी होती है, वीडियो इज लिटिल बिट क्लियर सर, वीडियो इज नॉट लिटिल बिट क्लियर, वाई हर्षित क्या कमी है बताइए, बताइए मैं इसको सही करूंगा, क्या स्मॉल है, एक्सप्लेनेशन इतना ज्यादा होता है इसलिए इसके फॉन्ट थोड़े स्मॉल करने पड़ते हैं, समझे, और कोई रीजन नहीं है, बाकी सारे क्वेश्चंस एंड पिक्सेल्स वगैरह तो बहुत हाई लेवल है, मेरा नेट भी बहुत अच्छा चल रहा, क्वालिटी सेट कर लो। हाँ हर्षित आपकी तरफ से जो है वो सेटिंग्स में जाके थ्री डॉट्स में जाकर आप चाहें तो कर सकते हो उसमें, चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, बोला कि भैया भारतीय विधान परिषद को
द्विसंसदीय विधायिका द्वारा निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से बदल दिया गया था? किस पर टिक लगाओगे? द्विसदनीय विधायिका, बाई कैमरल लेजिस्लेचर, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज रिप्लेस्ड बाय अ बाई कैमरल लेजिस्लेचर कौन से एक्ट के तहत? 1919, 1935 या 1909, 1919, 1935 या 1862, 52। देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि 1935 और 1919 में से कोई होगा। हाँ ये भी चांसेस बन रहे हैं, लेकिन बाई कैमरल था क्या इसमें? श्योर हो? कुछ लोग सी, कुछ लोग डी, ब्लर हो रहा है हर्षित। नहीं देखो बाकी लोग कह रहे हैं कि सब कुछ क्लियर है, एक बार कोशिश करो। किस पे टिक लगाओगे? तो चलो मैं बता देता हूँ, याद रखिएगा, राइट आंसर इज 1919, जिसको मार्टेंग्यू चेम्सफोर्ड, मॉन्टफोर्ड के नाम से जाना जाता है। मॉन्टेंग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जिसमें यह बताया गया है बाई कैमरल लेजिस्लेचर होगा। स्टेटमेंट 4 करेक्ट है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डायरकी इंट्रोड्यूस करी थी इसमें, ठीक है, याद रखिएगा। सेपरेट टेरिटोरियल 1909 में था, जिसको मार्ले मिंटो कहते हैं, ठीक है। हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया यहाँ पर अपॉइंट किया जाएगा, सेंट्रल बजट होगा, ये सब चीजें मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। तो मॉन्टेग्यू कौन थे? तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, जिनको भारत सचिव कहा जाता है, चेम्सफोर्ड जो थे ये हमारे वॉइसराय गवर्नर जनरल के रूप में। चलो खैर, और भी बहुत सारी चीजें डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि उस सैनिक नौजवान जहाज का नाम बताइए, नौ सैनिक जहाज का नाम बताइए जो 46 में शाही विद्रोह किया था, चिल्का, सरहद, जामनगर, आईएनएस तलवार। जहां तक मुझे, HMIS को INS कहते हैं, INS था, सारे ऑप्शंस में INS होना चाहिए था, HMIS भी हो सकता है उसका सब्स्टिट्यूट हो, बट चिल्का, सरहद, जामनगर और तलवार में आंसर बताइए। वॉइसराय। आई बात समझ, आगे बढ़ेंगे तो INS तलवार ही इज द राइट आंसर होगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। इंडियन नेशनल आर्मी जो थी 45 में, क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद इसका इम्पैक्ट हुआ, प्रोटेस्ट करना शुरू किए, तो उन्होंने फ्री फ्लैग फहराया जिसका अपोज किया ब्रिटिशर्स ने, ठीक है। मुस्लिम लीग ने जो है थर्ड रेड फ्लैग अपनाया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के लिए। मदन सिंह हीटेड द प्रोटेस्ट, MS खान, फाइनली हुआ क्या, 8 पीपल वर किल्ड इन द प्रोटेस्ट, फाइनली MHIS तलवार ने कोलाबा मुंबई में विद्रोह कर दिया, जो कि बड़े लेवल पर रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय रिपब्लिक सेना की स्थापना किसने की? सोचिए बताइए, जामनगर नहीं है यार, कैसे ऐसे का? 46 का विद्रोह आपको पता होना चाहिए, बहुत बड़े लेवल का विद्रोह होता है, ऐसे नहीं कह सकते। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन याद रखिएगा, भारतीय रिपब्लिक सेना की स्थापना किसने की? तो बताएंगे भैया, आंसर है सूर्य सेन। द इंडियन रिपब्लिक आर्मी वॉज शॉर्ट लिव्ड रिवॉल्यूशनरी आर्मी, छोटी सी कम दिन रही, बड़ी लेवल की थी लेकिन कम साल रही, सूर्य सेन ने शुरू किया था। चट्टगांव में भी शायद सूर्य सेन ने जो है बवाल किया था, सशस्त्र वो विद्रोह टाइप का था, आर्मी गृह पर, आर्सेनल पे अटैक हो गया था। तो अनुशीलन समिति 1930 में बनी,
जो कि सूर्य सेन उसके मेंबर थे, एग्रेसिव थे, यंग थे। हाँ मैंने कहा ना चटगांव में इन्होंने क्या किया था, आर्म अटैक किया था, आर्मी वॉज क्रिएटेड वहां बनाई गई थी, उन्हीं का सामान अंग्रेजों का ही सामान लूट के बनाई गई थी। तो चिटगांव आर्मरी रेड 1930 का बहुत फेमस है, याद रखिएगा, सूर्य सेन के अंडर में हुआ है। वही पूछा ना भारतीय रिपब्लिक सेना किसने स्थापित की, तो सूर्य सेन, और चटगांव वाला केस भी इन्हीं से अफिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए सरदार पटेल की अध्यक्षता में जिन्होंने मौलिक अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प का मसौदा तैयार किया, 31 में कराची अधिवेशन में सरदार पटेल की अध्यक्षता में हुआ था मौलिक अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम का एक वो प्रारूप तैयार किया, ड्राफ्ट तैयार किया, कौन थे, गांधी, नेहरू, प्रसाद या अंबेडकर। 1931 की बात हो रही है, ध्यान से सुनो, कमेंट्स आते रहने चाहिए। अरे भैया कमेंट्स रोक दिए, बिल्कुल किसी का कमेंट्स नहीं दिख रहे। चलो मैं बता दूं इसका राइट आंसर होगा, अच्छा ओके, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फंडामेंटल राइट्स उठाया था और इकोनॉमिक प्रोग्राम्स टच किया था, आप सोच भी नहीं सकते थे। कराची प्रोग्रेस कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड एट मार्च 26, 1931, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में ये काम हुआ था, तो बड़ी चीज है। महात्मा गांधी वॉज सेलेक्टेड टू रिप्रेजेंट द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, स्पेशल सेशन था जिसमें महात्मा गांधी को सेलेक्ट किया गया था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को रिप्रेजेंट करें, और यहीं पर सेकेंड राउंड टेबल मीटिंग जाने का प्लान, पहले में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, गांधी जी ने तीसरे में नहीं लिया, केवल दूसरे में लिया, वो भी गांधी इरविन पैक्ट होने के बाद की कहानी। गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, उसके बाद जो है उसको दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता, ठीक है। इसमें गांधी जी सुखदेव को, भगत सिंह और राजगुरु को बचा नहीं पाए, इसलिए गांधी जी को काफी क्रिटिसाइज किया जाता है। 24 के बेलगांव अधिवेशन में उनका अध्यक्षता की गई थी, 6 दिन पहले ये पैक्ट हुआ था, मतलब ये कहा जाता है कि 6 दिन पहले था, 6 दिन थे, गांधी जी बचा सकते थे भगत सिंह को। खैर, भारतीय संविधान की संघीय प्रणाली की अवशेषता किसके संविधान से प्रेरित होती है, भारतीय संविधान की संघीय प्रणाली, देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फेडरल सिस्टम का फीचर किससे इंस्पायर्ड है, कौन से देश से, कनाडा, अमेरिका, आयरलैंड या यूनाइटेड किंगडम, किस पे टिक लगाओगे। तो बताएंगे कि भारतीय संविधान की संघीय प्रणाली की विशेषता हमारे कनाडा से लिया गया है, फेडरेशन विद द स्ट्रॉन्ग सेंटर, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कनाडा इज द राइट आंसर, गॉट इट। देखिएगा हमने कनाडा से और भी चीजें ली हैं, रेसिडुअरी पावर इन द सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नर्स, राज्यपाल की नियुक्ति, ज्यूडिशियरी एक्शन, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, एडवाइजरी करेगा, उसके कहने पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कुछ काम करेंगे। आयरलैंड से हमने क्या लिया, डीपीएसपी लिया, सब जानते हो, हमने नॉमिनेशन जो 12 सदस्य राज्यसभा के नियुक्त होते हैं ये भी हमने आयरलैंड से लिया, इलेक्शन प्रेसिडेंट का कैसे होना चाहिए, एकल व्युत्क्रमणीय एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होती है ना, तो उससे हम सिलेक्शन करते। यूएस से हमने बहुत चीज ली, जुडिशियल रिव्यू ली, फंडामेंटल राइट्स लिया, इंडिपेंडेंस जुडिशरी लिया, ठीक है, और तो और इम्पीचमेंट होता है प्रेसिडेंट का आर्टिकल 61 के तहत, वो सीखा, सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे हटाएंगे, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के बारे में, ये सब अमेरिका से हमने सीखा है। खैर चलो अगला क्वेश्चन, कुलीन तंत्र को ऑलिगार्की कहते हैं, कुलीन मतलब कुछ कुछ लोगों के द्वारा जो कि उच्च वर्ग के हैं उनके द्वारा शासन, सरकार का एक रूप है जहां शक्ति का प्रयोग
महिलाओं के समूह राजा पुरुषों पुरोहित। यार ये बढ़िया क्वेश्चन है, बताओ जरा कुलीन तंत्र में क्या आएगा, प्रीस्ट आएगा कि किंग आएगा कि वुमन आएगा कि या ग्रुप ऑफ मैन आएगा, किसमें लगाओगे टिक? अजय ये सीरियस की ही क्लास चल रही है, आप लेट हैं, और देखेंगे सब्सक्रिप्शन में लिखा भी होगा कि दिस क्लास इज फॉर डिफेंस एग्जामिनेशन, लिखा है एक्स एंड वाई ग्रुप नेवी, लेकिन क्वेश्चन का जो लेवल है वो सीरियस का है। मैंने जो शुरू में इसमें शेयर किया है आपने देखा होगा वो सीरियस के लिए ही है। और अगर अभी सब्सक्रिप्शन भी लेना चाहते हो बाबू अजय तो आज ले लो, आज 31 तारीख है, 2 घंटे बाद 1 घंटे बाद बदल जाएगी डेट, हो सकता है थोड़ा महंगा हो जाए, तो सीरियस का सब्सक्रिप्शन लेना है तो कोड मेरा लगाओ कृषि, स्क्रीनशॉट ले लेना KRISHI कृषि 007, ठीक है, ये कोड लगाओगे तो 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा, समझे? लग जाओ क्योंकि 1 तारीख से या 5 तारीख से हमारी न्यू बैच लॉन्च हो जाएगी, 14 नवंबर को एग्जाम है, इसी के बाद से न्यू बैच, और बढ़िया से 2022 की प्रिपरेशन करो। तो राइट आंसर होगा इसका ऑलिगार्की इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपुल इज हेल्ड बाय द स्मॉल ग्रुप ऑफ मैन। एक तरह की गवर्नमेंट होती है जिसमें छोटे समूह कुछ लोग, मैंने कहा ना स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, तो आपको यहां पर यह चीज खुद ही समझ जाना चाहिए था, अ ग्रुप ऑफ वुमेन अ ग्रुप ऑफ मैन। वुमेन से उसका कुलीन तंत्र का कोई लेना देना नहीं, राजा रानी से कोई लेना देना नहीं, पुरोहितों से नहीं, तो ग्रुप ऑफ फ्यू मैन कुछ लोगों का एक तंत्र, इसलिए ऑप्शन बी सही, सॉरी सी सही होगा, ठीक है, उसको अलीगार्की कहते हैं, पढ़ लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस तरह से होता है देखो प्लूटोक्रेसी होता है, प्लूटोक्रेसी क्या होता है, अमीर तंत्र उसको बोलते हैं। अगर हम बोले कि एरिस्टोक्रेसी क्या होता है तो बताएंगे वीआईपी लोगों के द्वारा शासन। अगर हम बोले कि एक वर्ड सुना होगा आपने मोनार्की, एक आदमी जो मिलिट्री का है और वो पूरा अपने अंडर में पावर ले रहा है, ऑटोक्रेसी एक तंत्र बोलते हैं इसको, या फिर आपने सुना होगा डिक्टेटरशिप, तो डिक्टेट करके जबरदस्ती, ठीक है। चलो खैर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, प्रस्तावना में स्वतंत्रता शब्द का प्रयोग किया गया है कहां पर, संविधान से लिए, अमेरिका से, रूस से, फ्रांसीसी से या ब्रिटेन से? ये जो स्वतंत्रता वर्ड लिबर्टी वर्ड हमने लिया है, लिबर्टी फ्रेटर्निटी इक्वलिटी सुना होगा, तो ये लिबर्टी जो हमने ऐड किया ये लिया कहां से एग्जैक्टली? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर है हमारा लिबर्टी, द एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेन एंड एक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल एट द सेम टाइम प्रोवाइडिंग द अपॉर्चुनिटी टू, छोड़ो वो, ये देखो कि लिबर्टी का थॉट एक्सप्रेशंस बिलीव्स एंड फेथ एंड वर्शिप, स्वतंत्रता किस चीज की, सोचने की, एक्सप्रेस बोलने की। आप फेसबुक पे अभी किसी को कुछ भी लिख देते हैं कैसे स्वतंत्रता है, बिलीव कहाँ से आई, ये विश्वास की, किसी भी धर्म में विश्वास रख सकते हो, किसी भी चीज को मान सकते हो, किसी की भी पूजा कर सकते हो, ये क्या है, प्रियम्बल में लिखा है, तो फंडामेंटल राइट्स है ये हमारा लिबर्टी, तो ये कहाँ से लिया गया है, तो बताएंगे ऑप्शन नंबर सी से, इसका मतलब फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिबर्टी वर्ड उठाया, याद रखोगे, अमेरिका नहीं है, ना ना ना, लिबर्टी वर्ड जो हमने उठाया वो फ्रेंच, फ्रांस से उठाया, सोच सकते थे। आइए नेक्स्ट वर्ड, किस देश ने यास चक्रवात का नाम रखा, अभी यास चक्रवात कुछ दिन पहले आया है, सोच के बताइएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, गलत नहीं होना चाहिए, होश और हवास में आंसर देंगे। तो बताएंगे कि भैया ये जो यास चक्रवात है बे ऑफ बंगाल में आया है,
और जब बे ऑफ बंगाल में आया है तो ओमान ने इसका नाम रखा। बे ऑफ बंगाल में ओमान ने इसका नाम रखा। तो राइट आंसर क्या होगा? सॉरी, ओमान ऑप्शन बी शुड बी द राइट आंसर। याद रखिएगा, आफ्टर साइक्लोन ताउते एक और साइक्लोन आया, यास। ठीक है, द साइक्लोन हैज बीन नेम्ड यास बाय ओमान, एक्सपेक्टेड टू कॉज मेजर डैमेज इन वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा। जानते हैं उड़ीसा विशाखापट्टनम वाले सेक्शन में हमेशा चक्रवात आते रहते हैं, तो भयानक तूफान आया। फोर नेवल शिप्स आर ऑन स्टैंड बाई विथ ह्यूमेटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ। मतलब कि कुछ शिप्स रुक गई, बड़े लेवल पर ये आया था। ठीक है, याद रखना, आईएनएस देगा एट विशाखापट्टनम, आईएनएस राजा जी नियर चेन्नई, टू अंडरटेक एन एरियल सर्वे ऑफ द मोस्ट अफेक्टेड एरिया। ये दो लगी पड़ी थी तूफान में भी कि भैया कुछ नुकसान तो नहीं हुआ। तो याद रखना, मेन क्वेश्चन था कि यास जो है वो ओमान में आया, यास के पहले ताउकाते एक तूफान आ चुका था। अगला क्वेश्चन, 9 नवंबर को क्या मनाते हैं? 9 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? अच्छे, बहुत अच्छे, ओमान याद है। हम लोग 9 नवंबर को कुछ मनाते हैं, क्या मनाते हैं? तो बताएंगे, 9 नवंबर को हम राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस, टेलीविजन दिवस या विश्व कानूनी सेवा दिवस मनाते हैं। तो 9 दिसंबर को हम लोग लीगल सर्विस डे, वर्ल्ड लीगल सर्विस डे, कानूनी सेवा मनाते हैं। ठीक है, 11 नवंबर को हम लोग नेशनल एजुकेशन डे मनाते हैं। याद रखिएगा, 14 नवंबर को बाल दिवस होता है, उसके पहले 3 दिन पहले 11 नवंबर आने वाला है। नवंबर के एग्जाम में क्वेश्चन जरूर, जो महीना चल रहा होता उसी का क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, या फिर उससे एक महीने पीछे अक्टूबर पूछ सकता है, क्योंकि पेपर अक्टूबर में बन गया होगा तो अक्टूबर वाला पूछेगा, या फिर पेपर उस डेट के बाद बना है इसीलिए वो दिसंबर का पूछ सकता। कभी भी याद करो, ये पूरा नहीं याद किया जाता, केवल आपका जिस महीने एग्जाम होने वाला है उसके एक महीने पहले वाला और उसके एक महीने बाद वाला याद किया जाता, और वो महीना याद किया जाता। तो 17 नवंबर को क्या है? नेशनल जर्नलिज्म डे। और 21 नवंबर को क्या है? क्योंकि इस समय अरब अर्णव गोस्वामी छाए हुए हैं, तो इसीलिए नेशनल जर्नलिज्म डे याद कर लीजिए, और अपने प्राइम रिपोर्टर रविश कुमार, तो इसलिए ये याद कर लीजिए। 21 नवंबर को वर्ल्ड टेलीविजन डे मनाया जाता है। टेलीविजन इंटेलिजेंसी की कैटेगरी में रखा गया है, इसकी बुराई नहीं करी जाती, समझे? कुछ लोग इसको बुरा समझते हैं, लेकिन टेलीविजन ने ही हमें इतना सोचने लायक बनाया है। चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। वर्तमान में पुडुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में कौन काम कर रहा? पुडुचेरी का उपराज्यपाल, वाह, बहुत कठिन क्वेश्चन है। मैं रहता तो इसको तुक्का मारता, आगे बढ़ता, इतना पुडुचेरी का राज्यपाल तो याद नहीं होता, उपराज्यपाल कैसे याद करेगा कोई? लेकिन अब काम है अपना, करेगा इंसान, याद तो करना ही है, एग्जाम में तो पूछेगा ही। किरण बेदी लग रही? नहीं, पुरोहित लग रहे हैं, साउंडार राजन या फिर मनोज सिन्हा। तो बताएंगे कि भैया जो तमिलिसिया साउंडार राजन है, या एडिशनल चार्जेस लिया लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुडुचेरी। याद रखिएगा, शी रिप्लेस्ड फॉर्मर आईपीएस किरण बेदी, किरण बेदी की जगह पर उनको बनाया गया। ठीक है, जो 2016 में बनी थी, गवर्नर ऑफ तेलंगाना है अभी। ठीक है, फर्स्ट वुमन टू होल्ड ऑफिस ऑफ तेलंगाना, कौन? शी टुक द चार्ज ऑफ गवर्नर ऑफ तेलंगाना। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? तमिली जो उसकी क्या है, वर्तमान में पुडुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में कार्यरत है। तो ये अतिरिक्त भार के रूप में है, अभी बताया, एडिशनल चार्जेस। ठीक है, तो याद जरूर रखना, किरण बेदी को रिप्लेस करनी थी, वहां गई। आइए, स्वदेशी रूप से विकसित किए गए पायथन 5 एयर टू एयर मिसाइल किस पीढ़ी से? पायथन 5, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ या सिक्स्थ, किस पर टिक लगाओगे? तुक्का सही हो गया, वेरी गुड अजय। हर्षित क्या बोल रहे हो?
तो बताएंगे भैया, डीआरडीओ ने कौन सी स्टडी का, फिफ्थ जनरेशन का, पाइथन 5 है तो फिफ्थ एयर टू एयर है, याद रखना ये क्वेश्चन पूछ सकता है। पाइथन क्या है, 5 है, एयर टू एयर है, हवा से हवा में मारेगा, फिफ्थ जनरेशन पाइथन 5 है, 5 है तो फिफ्थ, ऐसे याद रख लो, कभी नहीं भूलोगे। एक तरह का इंडिजिनस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, बहुत ज्यादा भारी नहीं है, ठीक है, एयर टू एयर वेपन मारता है, विजुअल रेंज के बाहर भी मार सकता है, टेस्ट फायरिंग गोवा में हुई है इसकी, डर्बी मिसाइल अचीव्ड अ डायरेक्ट हिट, समझे, हाई स्पीड में चलेगा, हल्का है, पाइथन मिसाइल ऑल्सो अचीव 100% हिट्स, कहीं गलत नहीं होता ये, ठीक है, बहुत अच्छी क्वालिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा, ग्रेट बैरियर रीफ, यार ये सोच कर बताना, ऑस्ट्रेलिया में तो है, न्यूजीलैंड का ऑप्शन कट जाएगा, अब बताओ ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर कि पूर्वी, मान लो अगर ये ऑस्ट्रेलिया है तो ये पूर्व में है तो पूर्वी तट, ये पश्चिम में है तो पश्चिमी तट, तो ये ग्रेट बैरियर रीफ किधर साइड है, मैपिंग पूछ दिया है, अब गैस मार सकते हो सकता है न्यूजीलैंड में भी हो, क्योंकि न्यूजीलैंड तो यहीं पर है ऑस्ट्रेलिया के ठीक बगल में, तो अब किस पे टिक लगाया जाए। ओके अजय, गुड, सोचो सोचो सोचो, तो बताएंगे भैया ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट, पूर्वी तट पर जो है ये आपका क्वींसलैंड के पास आपको ग्रेट बैरियर रीफ मिलेगा, कोरल्स से बना हुआ सबसे बड़ा ग्रेट बैरियर रीफ है, सबसे बड़ा मूंगा, समझे, वर्ल्ड लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ कोरल रीफ, 400 टाइप्स ऑफ कोरल्स, 1500 टाइप्स ऑफ फिश और 4000 टाइप्स ऑफ मोलस्क आपको जो है देखने को मिलेंगे, ठीक है, एक तरह का समुद्री गाय भी जिसको ड्यूगोंग कहा जाता है, याद रखिएगा, ये भी आपको ऑस्ट्रेलिया के आसपास इसी द्वीप पे मिल जाएंगे, लार्ज ग्रीन कलर का टर्टल आपको मिल जाएगा, समझे, और वर्ल्ड लार्जेस्ट कोरल रीफ यही मिलती है, सभी जानते हो पॉलिप्स होते हैं यहाँ, वेरी स्मॉल क्रिएचर, रीफ कैसे बनती है, कोलर पॉलिप्स से बनती है, ग्रेट बैरियर रीफ के पास ही मेरीन पार्क है, ग्रेट बैरियर रीफ मरीन पार्क, मरीन समुद्र के पानी को कहते हैं, एक्वाटिक मीठे पानी को कहते हैं, जो कि 1975 में बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, ये दिख गया क्या, दिखा नहीं ना किसी को, भैया सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राष्ट्रीय फिल्म नेशनल फिल्म अवार्ड किसको मिला है, अक्षय कुमार को, किसके लिए, केसरी के लिए, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को नेशनल अवार्ड मिला है, हल्ला नहीं हुआ, मनोज वाजपेयी को, मनोज वाजपेयी और शाहरुख खान को, किसको मिला है, किस पर टिक लगाओगे, तो बताएंगे भैया आंसर है 67th फिल्म नेशनल अवार्ड था ये, नई दिल्ली में ऑनर किया गया 21 में, इवेंट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय डायरेक्टर्स ऑफ द फिल्म फेस्टिवल, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर में आया, प्रकाश जावेदकर क्या थे, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के हेड जो है मिनिस्टर वो है ये प्रकाश जावड़ेकर, चलो एक क्वेश्चन ये तैयार हुआ, न्यू दिल्ली में हुआ ये तैयार हुआ, 67th है ये तैयार हुआ, कौन सी मिनिस्ट्री थी, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। आइए, नेशनल अवार्ड्स वर स्टार्टेड एट द एनुअल इंसेंटिव, हर महीने हर साल दिया जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 54 से शुरू है, ठीक है, नेशनल अवार्ड्स किसको मिला है, तो ऑप्शन सी पर कौन था, मनोज वाजपेयी था ना शायद, तो मनोज वाजपेयी को ये अवार्ड दिया गया है, याद रखिएगा, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। अब किस पिक्चर के लिए है ये, आप लोग पिक्चरें देखते होंगे तो बता सकते हैं मुझे, जरा बताइए, मैं रुका हूं इस क्वेश्चन के लिए, रुका हूं, कमेंट पढ़ रहा हूं मैं आपका,
तो बताएंगे राइट आंसर मेरे पहले सही थे कि अक्षय कुमार नहीं मनोज वाजपेयी। पिक्चर का नाम बताओ, कमेंट्स बॉक्स लो आपके। अजय हर्षित कोई पिक्चरें देखता है? पता करना, नहीं तो गूगल कर लेना चाहिए अभी तक आपको तो इतने देर में। खैर चलो, भारत का पहला पंजीकृत व्यापार संघ कहाँ पर है? भारत का पहला पंजीकृत व्यापार संघ, रजिस्टर्ड फर्स्ट ट्रेड यूनियन ऑफ इंडिया कहाँ पर है, कहाँ था? चलो इतिहास की बात करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हिंद मजदूर सभा थी, सबसे पहला रजिस्टर्ड व्यापार संघ कौन सा था? भारतीय मजदूर संघ था, मद्रास लेबर यूनियन मुझे लग रहा, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। मैं रहता तो ए या सी पर टिक मारता। अब आप लोग बताइए। अजय, तो राइट आंसर है सी, बिल्कुल सही है, मद्रास ट्रेड यूनियन सही है। अ ट्रेड यूनियन कैन बी डिफाइंड एज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्कर्स एंड ट्रेड प्रोफेशनल्स, फार्मर्स और भी बहुत सारे टेनेंट्स, पीजेंट्स सबका हो जाता है। ट्रेड यूनियन इंडिया रजिस्टर्ड अंडर ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, और ये हो कौन सा? तो बहुत सारे थे, लेकिन सबसे ओल्ड जो था वो मद्रास वाला माना जाता है। मद्रास यूनियन सबसे पुराना है। वैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का था ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, इंडियन नेशनल कांग्रेस का था इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का था, भारतीय मजदूर संघ सीपीआई का क्या था, सेंटर फॉर इंडियन ट्रेड यूनियन, समाजवादी पार्टी का है हिंद मजदूर यूनियन। आज भी ये सारी पार्टीज देखने को मिलती हैं, और अनएफिलेटेड एकदम फ्रीली सस्पेंडेड था, निर्दलीय था, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन। मैच द फॉलोइंग से ये एक नंबर का क्वेश्चन और बनता है। दैट इज भोसले मद्रास, दैट इज भोसले श्योर हो क्या? दैट इज भोसले कोई पिक्चर है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक मांग वक्र में बदलाव का कारण नहीं बनता? आमदनी, विज्ञापन, देखो इसको समझो, संबंधी कीमतों की, उत्पादों की कीमत या उत्पादन की कीमत, उत्पाद की कीमत, इंग्लिश में पढ़ लो। इनकम की वजह से जो डिमांड कर्व है वो नहीं बदलती, इनकम ज्यादा होगी तो डिमांड बढ़ेगी, ये तो श्योर है। एडवर्टीजमेंट से भी तो डिमांड बढ़ती है, तभी तो एडवर्टीजमेंट करते हैं लोग। प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट, उसकी कीमत भी डिपेंड करती है कि डिमांड बढ़ेगी कि नहीं, कि प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ द रिलेटेड प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, ये दोनों तो एक ही चीज है, रिलेटेड प्रोडक्ट्स। अच्छा, उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स का प्राइस इससे कितना ऊंचा है या कम है, ये अब बताओ। ए बी सी डी में से किस पे टिक लगाओगे? मांग वक्र नहीं बदलता, किन में से, किसकी वजह से बदलता है ये चेक कर लो, किसकी वजह से नहीं बदलता खुद ही पता चल जाएगा। जरा सोचो और बताओ मुझे क्या आंसर पे टिक लगाते। तो याद रखिएगा, सही आंसर है डी, बिल्कुल सीधी सीधी बात समझ लो, उस प्रोडक्ट के प्राइस पर मांग वक्र नहीं बदलती, समझे? प्राइस मैटर ही नहीं करता, डिमांड एंड सप्लाई का रूल जानते होगे तो जानते होगे, इकोनॉमिक्स पढ़ना कभी बताऊंगा। खैर चलो, हरमुज जल संधि सुने हो ना? और ये हरमुज जल संधि नहीं है, ये लैंड संधि है। तो हरमुज जल संधि नहीं है, हरमुज जो है वो जल डमरू है, इसको इस्थमस कहा जाता है, स्ट्रेट नहीं कहते हैं, इस्थमस बोलते हैं। बताइए कौन से दो सागरों के बीच में है, कौन से दो सागरों को जोड़ता है? जल डमरू नहीं होना चाहिए था, हारमुज जल संधि है जहां तक मुझे याद है, ठीक है, दो दो समुद्रों को जोड़ता है, ब्लैक या ब्लैक सी और मरमरा सी, अटलांटिक ओशन या मेडिटेरेनियन सी, पर्शियन सी को या गल्फ ऑफ ओमान को, किसको जोड़ता है, सोच के बताओ। इसके इकोनॉमिक्स भी है, कोई नहीं, तो चलो इसका आंसर बता दूं मैं, याद रखिएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मतलब फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है, याद रखेंगे। पर्शियन
पर्शियन गल्फ से ओमान गल्फ को जोड़ता है और अरेबियन सी भी इसमें जुड़ा होता है। आई बात समझ? ईरान और ओमान को अलग करता है, लेकिन पर्शियन गल्फ टू ओमान गल्फ, लिंकिंग टू पर्शियन गल्फ एंड ओमान गल्फ। आई बात समझ? पृथ्वी का सबसे गहरा भाग क्या है? अंटार्कटिक, हिंद प्रशांत या अटलांटिक? चारों में से सबसे गहरा पार्ट कहां पर है? वो है ना, 5-5 रुपए की चीज 1 करोड़ लोग को बेचोगे तो फिर वो 5 करोड़ हो गई ना, तो इसलिए करवाया जाता है ऐसा, समझे? और करोड़ों का ऐड नहीं होता, लाखों का ऐड होता है, करोड़ों की पिक्चर होती है, ठीक है? ऐड में उतना नहीं देते। हाँ, अगर वन टाइम लेते हैं तो ज्यादा लेते हैं, अगर उनको कॉन्ट्रैक्ट पर रख लिया साल भर का या ब्रांड एम्बेसडर बना दिया तब ज्यादा लेते हैं। खैर यार देखो, मैटर ये नहीं करता, मैटर ये करता है कि एडवर्टीजमेंट ही आजकल के जमाने में सब कुछ है, जो दिखता है वो बिकता है। देखो कि शुरू में मैं भी एडवर्टीजमेंट करता हूँ कंपनी का। तो पृथ्वी का सबसे गहरा भाग जो है आर्कटिक महासागर, हिंट, तो प्रशांत महासागर में 11 किलोमीटर के अंदर की गहराई है। मरीना ट्रेंच बोलते हैं ना, मरीना ट्रेंच, मरीना बीच नहीं। बहुत से लोग मरीना बीच और मरीना ट्रेंच में कंफ्यूज हैं। मरीना बीच अलग है, मरीना ट्रेंच को गहराई बोलते हैं जो कि प्रशांत महासागर में पाई जाती है। याद रखेंगे, मरियाना ट्रेंच बोलते हैं इसको, समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन। कम से कम 11 किलोमीटर गहरा है, ठीक है? याद रखिएगा, इसी को चैलेंजर डीप के नाम, से भी जाना जाता है। चैलेंजर डीप नॉर्दर्न, वेस्टर्न, नॉर्थ पैसिफिक ओशन में आपको मिलेगा, काफी गहरा है, ठीक है? मरीना ट्रेंच इज अ पार्ट ऑफ इजू बोनिन मरियाना सबडक्शन सिस्टम का पार्ट है। चैलेंजर एक्सपेडिशन जो है, ये एक तरह से क्या है, पहली कोशिश, फर्स्ट अटेम्प्ट टू मेजर द डेप्थ ऑफ द मैरियाना ट्रेंच वॉज मेड बाई 1875 चैलेंजर एक्सपेडिशन के ग्रुप के लोग थे, उन्होंने कोशिश करी और नापा भी। आइए, मिट्टी के कटाव का घटक कौन ही है? क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फैक्टर, द एजेंट ऑफ सॉइल इरोजन? सॉइल इरोजन किसके कारण नहीं होता? वर्षा के कारण तो होता है, नदी से भी सॉइल इरोजन हो जाता है जहां तक मैं जानता हूँ। नदी अपनी दिशा बदल ले और अपने साथ मिट्टी सारी बाहर ले जाती है। गुरुत्वाकर्षण और भू विक्षेपित हवा, अब बताओ किस पे टिक लगाओगे? सोचो, इसको स्किप मत करो, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो राइट आंसर गुरुत्वाकर्षण होना चाहिए था जहां तक मैं जानता हूं, लेकिन आंसर क्या लगाया है? गुरुत्वाकर्षण। ओहो, क्या बात है। चलो एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। वाटर से, विंड से और ग्रेविटी से भी आपका इरोजन होता है। वाटर पानी से भी होता है, फ्लोइंग ऑफ द रिवर से भी होता है, लेकिन कुछ कम होता है। द विंड इज ऑल्सो लीडिंग कॉज ऑफ द सॉयल इरोजन, ग्रेविटी इज ऑल्सो सॉयल इरोजन क्लासेज इन द स्लोप। ओहो, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। स्लोप पर जो सॉयल इरोजन, स्लोप पर ग्रेविटी कम होती है तो स्लोप पर सॉयल इरोजन ज्यादा होता है। ये पॉइंट तो बढ़िया पकड़ लिया इसने। तो व्हेन हैवी प्रेसिपिटेशन अकर्स सॉयल गेट्स, बारिश जब भी होता है। तो बिल्कुल सही आंसर होगा कि भैया जियोट्रॉफिक विंड जो है, जियोट्रॉफिक विंड, भू विक्षेपी पवन है, उससे सॉयल इरोजन नहीं होता, ठीक है? चलो खैर, वॉट एवर, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा स्टैंडर्ड क्वेश्चन बताया इसने, इलिमिनेशन प्रोसेस से बता दिया कि भैया वर्षा से सॉइल इरोजन होता है, नदी से होता है और ग्रेविटी सोल पर भी होता है, तो बचा भू विक्षेपित पवन, पवन से। केवल विंड होता तो बात अलग है, ये जियोट्रॉफिक विंड बोला है जिसकी वजह से इस पर टिक लगाया, और इसने कहा भी कि विंड से भी होता है लेकिन जियोट्रॉफिक विंड से नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेपी किस प्रकार का जो है वो वनस्पति है? वैसे कहा जाए स्टेपी एक तरह का, ये नहीं बोलूंगा, अच्छा मैंने बोला नहीं, पंपास, सवाना, स्टेपी, वेल्ड, आपने सुना होगा, ये सब है क्या? आखिर ये सब है क्या?
इंग्लिश की क्लास नहीं है आज, एक्चुअली इसके बाद अब कल ही होगी इंग्लिश की क्लास। आज तो बस स्टैटिक जीके ही चल रहा है, यही खत्म करूंगा 50 क्वेश्चंस जो है। स्टेपी जो है एक प्रकार के घास के मैदान है, सवाना, पंपास, प्रेरी, ऐसे करके बहुत सारे जो है वो घास के मैदान होते हैं। याद रखिएगा, याद रख लीजिए अभी भी, अफ्रीका के ईस्ट पोर्शन में सवाना पाया जाता है, ब्राजील में कंपोस्ट पाया जाता है, वेनेजुएला में लानोस पाया जाता है, टेम्परेट ट्रॉपिकल हो गया टेम्परेट घास के मैदान है, अर्जेंटीना में पंपास पाया जाता है, नॉर्दर्न अमेरिका में प्रेयरी पाया जाता है, साउदर्न अफ्रीका में वेल्ट पाया जाता है, सेंट्रल एशिया में स्टेपी पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में क्या पाया जाता है, डाउन्स। समझे? तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? मैच द फॉलोइंग से एक नंबर यहां से उठाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन बोला कि भैया 31 अक्टूबर 1920 को अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन चुने गए? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन चुने गए? वीवी गिरी, सुभाष चंद्रा, लाला लाजपत राय कि सी आर दास? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अभी हम लोगों ने पढ़ा था 31 अक्टूबर 1920 को। किस पे टिक लगाएंगे? सोचिए, हिस्ट्री का एक अच्छा, मॉडर्न हिस्ट्री का एक अच्छा क्वेश्चन है। मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए, एंशिएंट मेडाइवल करते हो चलता है। तो राइट आंसर वीवी गिरी लगाया है क्या लोगों ने? तो बिल्कुल नहीं है वीवी गिरी, राइट आंसर है आपका भैया लाला लाजपत राय। याद रखेंगे AITUC ITUC जो है ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के हेड, 31 अक्टूबर 1920 को लाला लाजपत राय को फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाएंगे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एसोसिएटेड इससे। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि भैया सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले की राजा राममोहन राय, लाला लाजपत राय, सी आर दास? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गांधी जी के राजनीतिक गुरु ही तो थे शायद, मैं रहता तो इसी पे टिक लगाता, क्योंकि शायद मैंने ये बिल्कुल याद आ रहा है कि मैंने पढ़ा है ये कहीं। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के स्थापना का श्रेय किसे दिया गया था? गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, सी आर दास या राजा राममोहन राय? तो मैं रहता गोपाल कृष्ण गोखले लगाता, आगे बढ़ता, बिल्कुल सही हो जाता। 1905 में पुणे में इन्होंने एस्टैब्लिश किया था, ब्रह्म समाज सब जानते हो कलकत्ता में था, राजा राममोहन राय ने शुरू किया था, मीरातुल अखबार भी इन्होंने निकाला था, एक ईश्वरवाद की पूजा करी और प्रिंसिपल ऑफ जीसस लिखा था, और इसी के ठीक उन्होंने वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के साथ मिलकर क्या किया था? 1828 होना चाहिए था कि 1928 होना चाहिए था, पहले ये बताओ। 1815 में, हाँ ठीक है ठीक है, ओके। कैसे ऐसे है एक बार ही चेक कर लेना, क्योंकि 1928 में तो उसने खत्म किया था ना वो सती प्रथा खत्म किया था ना, ये याद आ रहा है मुझे, बट एक बार ही देख लेना। तो क्या ये 100 साल जिए थे? एक बार चेक कर लेना डेट्स क्या है। सर्वेंट्स ऑफ पीपुल इंडिया, पीपुल सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडिया अलग था, सर्वेंट्स ऑफ पीपुल अलग है, लाहौर में था, लाला लाजपत राय ने 21 में शुरू किया था, स्वराज पार्टी सब जानते हो मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने शुरू किया था, ये एक तरह की कांग्रेस खिलाफत पार्टी थी, 23 में गांधी जी के वो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, वापस चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी को जब 6 साल जेल हो गई थी उस समय ये शुरू किया गया था। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की अगर हम बात करें तो पुणे में था, बाल गंगाधर तिलक सब जानते हो 84 में शुरू किए थे, गॉट इट एवरीबडी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की केवल एशियाटिक सोसाइटी, केवल एशियाटिक सोसाइटी पूछा है, सोच के बताएंगे। देखो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल सर विलियम जोन्स है, सर जॉल मानसर है, विलियम बेंटिक कौन है? तो बताएंगे भैया ये जो हमारे विलियम जोन्स हैं, इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करी थी,
कहां पर? तो बताएंगे सर विलियम जोन्स ने द एशियाटिक सोसाइटी 1784 में बनाया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के नाम से कलकत्ता में आइसोलेटेड है, ये वही है। ठीक है, द एशियाटिक सोसाइटी पोसेसेस एन आर्ट कलेक्शन। एशिया की सोसाइटी समाज क्या होगा? आर्ट होगा, उस समय पेंटिंग्स होगी। पीटर पाउल रूबेन एंड जोशुआ रेनॉल्ड्स की पेंटिंग्स आपको देखने को मिलेगी। इतने सारे वॉल्यूम्स, किताबें और सब प्रिंटेज एवरीथिंग से अवेलेबल था। किसने अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया था? अबुल कलाम आजाद, सैयद अहमद खान, मोहम्मद इकबाल और जिन्ना। मुझे लगता है कि इस दोनों में से ही कोई होगा। किस पर टिक लगाओगे? तो मैं बता देता हूँ आंसर क्या होगा, सोच लीजिए, देख लीजिए। इसका राइट आंसर जो है सर सैयद अहमद खान है। मुस्लिम रिफॉर्मर अच्छे माने जाते थे ये। ठीक है, बहुत अच्छा जो इनको नॉलेज भी था का, एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो इन्होंने ही बनाया था अलीगढ़ में, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 75 में, 1875 में इन्होंने ये बताया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इलाहाबाद में उत्तर पश्चिमी प्रांत के लिए राजस्व बोर्ड की नियुक्ति किसने की? हिस्ट्री के क्वेश्चन से बहुत अच्छे हैं, कोशिश करो बताओ। सैयद अहमद खान सही आंसर था। इसका आंसर दीजिए अजय, हर्षित, कोशिश करिए। तो बताएंगे कि भैया इस्लामाबाद में उत्तर पश्चिम के प्रांत के लिए राजस्व बोर्ड की नियुक्ति किसने की? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग, विलियम बेंटिक या लॉर्ड लिटन? किस पर टिक लगाओगे? तो बताएंगे कि भैया ऑप्शन सी सही है, इसका मतलब विलियम बेंटिक। इलाहाबाद के उत्तर पश्चिमी प्रांत राजस्व बोर्ड, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने एक और काम किया, सती प्रथा वाला तो हम जानते थे, ये भी अब से जान गए। वेरी गुड अजय, आपका आंसर और तुक्का सही जाता है। प्रिपरेशन करिए एक बारी, SSB अच्छे से प्रिपेयर करिए ना, मतलब प्री निकाल दीजिए। प्री का तो आपका चांसेस दिख रहा है। SSB 5 दिन का स्टे होता है। अगर बहुत अच्छी इंटेलेक्चुअल पावर और कम्युनिकेशन स्किल है, फिजिकल वीक भी है तो भी चल जाएगा। आपकी कम्युनिकेशन स्किल और इंटेलिजेंसी के दम पर आप अधिकारी बन सकते हैं, एक बार कोशिश जरूर करिएगा। ठीक है, पढ़ लीजिएगा इसका डिटेल क्या है। देखो सती प्रथा आ गया, मैं अभी तक 1928 मानकर चलता था कि सती प्रथा का अंत है, तो मेरा कॉन्सेप्ट तो गड़बड़ था। सेंट हेलेना एक्ट 1833 पढ़ना, कौन से सन में इन्होंने सती प्रथा खत्म करी थी, एक बार ये ढूंढना जरूर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों को दिखाता है? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, नॉन चैलेंजेबल कहा जाता है। 10 थी प्लस एक और जोड़ दिया गया, 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत शिक्षा का अभियान, 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा। ये DPSP में भी है, फंडामेंटल राइट्स में भी है ये 6 से 14, और ये फंडामेंटल ड्यूटी में भी आता है, तीनों में आता है याद रखना, और नॉन चैलेंजेबल है। मौलिक कर्तव्यों को किस सूची में दर्ज किया गया, कौन से भाग में? भाग 6 में, भाग 4 के 1 में, कि केवल 4 में, कि 9 के 1 में? तो आपको पता होगा, मैं थोड़ा सा इसको हिंट कर देता हूं, हिंट क्या, हेल्प कर देता हूं पूरा। भाग 1 से लेकर 4 तक भाग 1 है, भारत एक राज्यों का संघ है। 5 से लेकर 11 तक नागरिकता है, भाग 2 बोलते हैं जिसको, सिटीजनशिप बोलते हैं।
12 से लेके 35 तक भाग 3 है, क्या आता है इसमें? तो बताएंगे यार ये तो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है ना। उसके बाद भाग 36 से लेके 51 तक जो आता है, ये भाग 4 आता है, ये डीपीएसपी हो जाता है। अब 51 के क में ही जोड़ दिया गया, तो 51 का क जो है ये भाग 4 का क है, याद रखिएगा, इसी में फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ दिया गया, इसी को भाग 4 या भाग 5 कहा जाता है, ठीक है। लेकिन ये भाग 5 काउंटेबल नहीं है, 5वां काउंटेबल नहीं है ये, ठीक है ना। ना ना ना, जो मैं बता रहा हूँ वो आंसर सही है, ठीक है। अब किस पे टिक लगाएंगे, अगर लगाएंगे तो देखेंगे कि यार है ऐसा कुछ क्या। तो हाँ, भाग 4 का क, 4 का 1 इज द राइट आंसर, गॉट इट। देखें एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, हाँ बिल्कुल सही है, 4 का 1 इज द राइट आंसर। एक स्टेचुटरी ड्यूटीज ऐड कर दी गई, फंडामेंटल ड्यूटीज कहा जाता था, ये हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रशिया यूएसएसआर से लिया है, स्वर्ण सिंह समिति के तहत जो इसको जोड़ा गया, याद रखिएगा, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है स्वर्ण सिंह समिति, एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से उठता है, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड इन 1976, लेकिन 86वें संविधान संशोधन में 11 ड्यूटी जोड़ दी गई। 11वीं ड्यूटी अभी बताया मैंने, एजुकेशन से रिलेटेड है। अध्यक्ष को हटाने के प्रस्ताव का नोटिस देने वाले सदस्य के द्वारा लोकसभा में किसे संबोधित करना चाहिए? अध्यक्ष को हटाना है लोकसभा के, तो लोकसभा में अध्यक्ष हट गया तो मेन अध्यक्ष ही था, अब किसको नोटिस करेंगे? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, महासचिव को, उप महासचिव को, उपसभापति को, लोकसभा, राज्यसभा, कहाँ, किस पे? आंसर बताइए। तो बताएंगे, मैं बता देता हूं कि भैया ऑप्शन बी सही है, मतलब हम महासचिव को इन्फॉर्म करेंगे, वो भी लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल को इन्फॉर्म करेंगे कि भैया इसको हटाना है। चलो इसको एक्सप्लेनेशन देखना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, कौन से आर्टिकल, 94 आर्टिकल के तहत ऐसा करते हैं कि रिजोल्यूशन इन द रिमूवल ऑफ द स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। तो आर्टिकल 94 कहता है कि सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा महासचिव को इन्फॉर्म करेंगे कि भैया ऐसा ऐसा है, इसे को हटाना है, 14 दिन पहले उसको नोटिस दिया जाता है, तब जाकर जो है वो होता है। चलिए खैर, और भी नीचे है, क्षेत्रफल के अनुसार जम्मू कश्मीर भारत में पहले स्थान पर था, क्षेत्रफल के अनुसार जम्मू कश्मीर दूसरे, तीसरे, चौथे, कौन से स्थान पर है जम्मू कश्मीर का एरिया? अब देखेंगे तो भैया आधा इधर से छिन गया, आधा इधर से छिन गया, अब इंडिया का नक्शा ऐसे बनता है, ऐसे बनने के बजाय तो क्या मतलब, अभी भी उसको कौन से नंबर पे रखे, पहले पे तो नहीं आएगा, पहले पे तो राजस्थान है जहां तक हम जानते हैं, क्षेत्रफल के अनुसार से राजस्थान है, ठीक है, अब पहला तो नहीं है, अब दूसरा, चौथा, छठवां कुछ भी हो सकता है, तो क्या है? दूसरा है, याद रखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से जम्मू कश्मीर जो है दूसरा है, लद्दाख यूटी में चला गया, सब जानते हो, जम्मू कश्मीर इज सिचुएटेड विद इन द काराकोरम रेंजेस एंड द वेस्टर्न मोस्ट हिमालय ऑफ द, इसके बीच में आता है जम्मू कश्मीर, बोला है कि खैर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। काली मिट्टी का रूप भी जाना जाता है किस नाम से? काली मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है, ब्लैक सॉइल किसको कहा जाता है? सोचिए, बताइए, ब्लैक सॉइल किसको कहा जाता है? एंटीसोल को, एल्फीसोल को, एल्टीसोल को, कि वर्टीसोल को, किसको कहा जाता है? सोचिए आंसर, बताइए, मैं रुका हूं।
तो याद रखिएगा, राइट आंसर है वर्टिसोल, काली मिट्टी वर्टिसोल के रूप में जानी जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में डाल दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में इसको डाल दीजिए। उत्तर प्रदेश से बड़ा है बट लद्दाख अलग है ना सर। क्वेश्चन क्या था एक बार फिर से देखें, एक बार इस बार केस स्टडी करना, मुझे भी वही लग रहा था यार। स्थान पर था पूछा है तो सही तो है। देखो क्वेश्चन ध्यान से देखो, इट वॉज अकॉर्डिंग टू एरिया जम्मू कश्मीर रैंक्ड ईडी पास्ट, ठीक है। तो बात अलग है, अब उससे अलग हो गया, लेकिन था पूछा है नहीं पूछा है, तो ये ध्यान जरूर दीजिएगा। आप लोगों ने पॉइंट पकड़ा है, लेकिन ये पॉइंट भी पकड़िए जो मैंने पकड़ के आप लोग को बताया। अजय, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्टिसोल होता है याद रखिएगा। काली मिट्टी में कॉटन उगता है, महाराष्ट्र का सेक्शन सबसे ज्यादा होता है, ब्लैक सॉइल वर्टिसोल कहा जाता है, ठीक है। बेसाल्ट की रॉक से ही डेवलप होती है, सेमी एरिड और सब ह्यूमिड सेक्शन में आता है, ठीक है। इसका पीएच फैक्टर कितना होना चाहिए, तो 7.8 ब्लड के करीब होता है, ठीक है। हाईली क्लेई होनी चाहिए मिट्टी, 80% के करीब में। और भी बहुत सारी चीजें, जैसे इसमें सॉइल रिच इन पोटाश लाइम एंड डिफिशियंट नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन पोटेशियम फास्फोरस की कमी जरूर होनी चाहिए, ये जरूरी है, तभी उपजाऊ होगी नहीं तो नहीं। खैर चलो, डी ऑक्सी ग्लूकोज 2GG एन एंटी कोविड-19 ड्रग हैज बीन डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो एक तरह का दवा है, ड्रग है, इंजेक्शन ही नहीं, खाने से भी, चाहे इंजेक्ट कर लो चाहे खा लो, तो एक ड्रग आया 2DG कहा जाता है इसको। 2DG का मतलब होता है 2-डीऑक्सी-डी-ग्लूकोज, 2D एक डी ऑक्सी डी, तो डी डी मिलके 2 2D और जी फॉर ग्लूकोज। किसने डेवलप किया? इन मैस, IIMS, DGIC, इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अदीट क्वेश्चन कहते हैं इसको। कोशिश करिए और बताइए। तो बताएंगे कि राइट आंसर है, राइट आंसर है INMAS। चलिए देख लेते हैं, 2-डीऑक्सी-डी ग्लूकोज, 2DG कोरोना वैक्सीन का एंटी ड्रग्स है, इसको डेवलप किया है INMA, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंस, INMAS, याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज के अंडर हैदराबाद में, DRDO, लैब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में है, इसका कोलेबोरेशन है डॉक्टर रेड्डी के साथ। और बाकी डिटेलिंग पढ़िएगा, RT-CPR जानते ही हो, अ हायर पोर्शन ऑफ द पेशेंट्स रिलेटेड विद 2DG शोड RT-PCR निगेटिव। जब भी इनको ये डोज देकर इनका RT-PCR तुरंत का तुरंत किया गया, तो वो कोरोना निगेटिव आए, ना कि कोरोना पॉजिटिव आए, ठीक है। तो पेन में बच्चा है, बढ़िया स्टाइल है, ये तो बहुत सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, 2021 में भारत में पहली बार महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी, महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर, रिस्की था लेकिन बनी, मेहनत थी, कई आलोचनाएं थी, स्ट्रगल था, उतना पढ़ना उतना एक्टिविटी मजाक नहीं था, लेकिन पढ़ी और बनी। कौन था? गरिमा सिंह, आश्रिता वी ओलेटी, अवनी चतुर्वेदी, या फिर शिवाली पालीवाली, कौन था? तो चलिए आइए देखते हैं, राइट आंसर है, बताएंगे तो, आश्रिता वी ओलेटी जो है स्क्वाड्रन लीडर थी, हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर, ओके, एयरफोर्स टेस्ट पायलट स्कूल से पढ़ी हुई है, ग्रेजुएटेड, कंट्री की पहली इंजीनियर है ऐसी, ठीक
ठीक है, ओचेली के नाम से जिनको लोग जानते हैं, याद रखना। नेक्स्ट, युगांडा के राष्ट्रपति के रूप में कौन आया? यार ये अपना राष्ट्रपति याद होता नहीं, युगांडा का राष्ट्रपति याद करना, मुझे इस तरह के क्वेश्चन से बहुत इरिटेशन है, लेकिन ये है कि एग्जाम में ये सब पूछता है। जस्टिन खिंजा, मुरेवेनी, एमोडिंग, भवानी का इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, जस्टिन खिंजा, योवेरी मुसेवेनी, मोनिक अमोडिगा, अबेड वानिका। ठीक है, बताइए किस पर टिक लगाएंगे? यार मतलब क्या ही बोल दूं ये क्वेश्चन के लिए मैं, आप लोग नरक कर लीजिए एक बार ही कोशिश करके, फिर मैं बताऊंगा। पक्का लग रहा है? तो याद रखेंगे, राइट आंसर इज योरेवी मुर्सेवेनी इज द राइट आंसर, जिन्होंने 12 मई 21 को 6वें 65 65वें ईयर के टर्म, ठीक है, ऑफिस में आते हैं, युगांडा के इंक्यूबेंट जो है वो है चीफ जस्टिस। अरे यार ये देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट, इजराइल के साथ किन दो पश्चिमी एशियाई देशों ने औपचारिक संबंध स्थापित किए? देखो, इजराइल की सबसे बढ़िया जो वो है मोसाद, सुने होंगे, सबसे स्ट्रांग है हर चीज में आगे। तो इजराइल के साथ दो पश्चिमी एशियाई देशों ने औपचारिक संबंध स्थापित किए, किसने इजराइल से अच्छे संबंध बनाए, जरा सोचिए बताइए। अजय कोशिश करिए। हर्षित क्या हुआ, कहाँ चले गए? हर्षित साइलेंट लर्नर बन गए? तो बताएंगे कि भैया जो औपचारिक संबंध स्टैब्लिश हुआ है वो हुआ है बहरीन का, याद रखेगा, यूएई के बहरीन ने एक इज़राइल से अच्छा रिलेशन बनाया, ठीक है। काफी साल अरब स्टेट्स ने इसराइल को बाइकॉट किया, लेकिन आगे चलकर बहरीन ने ही क्या किया, जब फिलिस्तीन वालों का वो सेटलमेंट हो गया मैटर, तब इसराइल और बहरीन एक अच्छे दोस्त बने, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप, मतलब इतने अच्छी भी दोस्ती नहीं है, जरूरत पड़ी तो बने हैं, ठीक है, डिप्लोमेटिक यही होता है, अपनी मतलब निकाल लो बात खत्म, ठीक है, और वो भी कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर, दिल से दोस्त नहीं बने, ऑफिशियल ज्वाइंट कम्युनिकेट बैठेगी और वो आपस में हर तरह की प्रॉब्लम्स को शॉर्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुच्ची मशरूम के लिए जीआई टैग आवेदन दायर किया किस राज्य ने? गुच्ची मशरूम के लिए जीआई टैग का आवेदन दायर किया, उत्तराखंड, देखो मशरूम बोल रहा है, थोड़ा सा मार्शी एरिया होगा, उत्तराखंड मार्शी है, जम्मू कश्मीर तो ठंडा है, हिमाचल प्रदेश ठंडा है, और अरुणाचल प्रदेश भी ठंडा है, चारों ठंडे हैं, कम ठंडा यही है, ऐसी जगह मशरूम उगता होगा, मुझे तो यही लग रहा, लेकिन गुच्ची मशरूम हो सकता है ठंडे प्रदेश का मशरूम हो। अब ये यार ये तो ऐसी नॉलेज वाली बात है, किताबें पढ़ो इसलिए कहा जाता है। अच्छा ये आंसर बताओ जरा, देखें तुक्का सही होता है कि नहीं होता है, ये पता चलेगा अभी। चलो अब देखते हैं, राइट आंसर बी है, मतलब सबसे ठंडी जगह जम्मू कश्मीर में गुच्ची मशरूम के लिए उसने आवेदन किया है, याद रखिएगा। एक एनजीओ है, जम्मू बेस्ड एनजीओ, बॉर्डर वर्ल्ड फाउंडेशन, जीआई टैग एप्लीकेशन एंड फॉर गुच्ची मशरूम, गुच्ची मशरूम के लिए जीआई टैग एप्लीकेशन रजिस्टर किया, ठीक है। बाकी गुच्ची मशरूम होता क्या है इसको बताना चाहिए था, मोरेल मशरूम को ही गुच्ची मशरूम कहते हैं, चलो मोरेल एक अच्छा वर्ड नाम पड़ा, गुच्ची बोलने में मजा नहीं आ रहा था, वैसे गुच्ची अच्छा लग रहा है सुनने में, गुच्ची पुच्ची टाइप लग रहा है, ठीक है, ओके। गुच्ची मशरूम इज मार्शेला एस्चुलेंटा, इसका कोई बायोलॉजिकल नाम होगा, फंगी ही होता है एक तरह का, मशरूम क्या है आखिर, फंगी ही तो है।
गुच्ची मशरूम इज एक्सपेंसिव एंड एक्सक्लूसिव इंग्रेडिएंट दैट ग्रोज वाइल्ड ऑन फुट हिल्स ऑफ द हिमालय। तो सही है फिर जम्मू कश्मीर आंसर। ठीक है, ये बिल्कुल वैसा ही टैग डिमांड किए हैं जैसा सैफ्रॉन केसर के लिए किया था। ये जीआई टैग केसर के लिए गया है, तो अब मशरूम के लिए भी लोग मांग रहे हैं कि हमको भी दो टब टैग। निम्नलिखित में से किस नहर को मार्च के महीने में एक विशाल मालवाहक जहाज द्वारा कुछ दिनों के लिए अवरुद्ध किया गया था? वाह, एक कैनल थी। अच्छा, इसका फोटो भी आया था, एक बड़ी सी ऐसे फंस गई थी जहाज। पनामा या स्वेज में से थी? ये दोनों नहीं है, ये तो श्योर है। स्वेज नहर थी क्या? शायद, जहां तक मुझे याद है स्वेज नहर थी। कई बार फेसबुक व्हाट्सएप पे मैंने देखा था, अरे यार ठीक से पढ़ लेता तो एक नंबर निकाल देता मैं। क्या बोलिए पब्लिक? जम्मू कश्मीर सही है। बताओ अजय, इसमें क्या बोलते हो? स्वेज ही थी, बिल्कुल सही है, स्वेज ही थी, बिल्कुल सही है, याद आ गया मुझे। इजिप्ट की स्वेज कैनाल जो है उसने वो वर्ल्ड्स बिजिएस्ट ट्रेड रूट में आता है, लेकिन जो है जाइंट कंटेनर शिप ने उसको रोक दिया था। एवर गिवन शिप का नाम था, तो गिवन अप करके बैठी थी, एवर गिवन नाम था। क्यों रोका था याद है? मेडिटेरेनियन सी की तरफ जा रही थी, मेडिटेरेनियन से रेड सी की तरफ। स्वेज नहर, देखो एक नंबर यहां से तैयार होता है कि भैया स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, याद रखिएगा। मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से जोड़ती है, और इसी बीच में ये फंस गई थी। क्यों फंसी थी ये देखना होगा। चलो एक अच्छा क्वेश्चन आ रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका ओआरएस आता है, WHO का ओआरएस, जो बहुत सारे इंजेक्शन फ्री में लगाता है, अफ्रीका को जंगली पोलियो मुक्त घोषित किया गया। पोलियो दो तरह का होता है, एक तो शहरी, हमारे यहाँ छोटा सा पोलियो बहुत ज्यादा नुकसान नहीं, जंगली पोलियो। अफ्रीका में जंगली पोलियो होगा ही होगा, अलग तरह के वायरस होते हैं वहां, लेकिन उस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अफ्रीका के आदिवासियों के लिए भी ये पोलियो एक अभियान चलाया, काफी साल में जंगली पोलियो वहां से खत्म कर दिया, इरेडिकेट कर दिया। यह रोग अब केवल निम्नलिखित देशों में पाया जाता है, अफ्रीका से खत्म कर दिया और यहाँ पाया जाता है, तब तो बहुत बेइज्जती है। तो अब बताइए जंगली पोलियो और कहाँ कहाँ पाया जाता है, सोचिए जरा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, लगा दिया बंदे भैया। सही है, कैसे पता अजय? यार इतना सटीक नॉलेज पढ़ रहे हो लग रहा है। अफ्रीका इज फ्री फ्रॉम वाइल्ड पोलियो वायरस, WHO ने किया 25 अगस्त 2020 को। नाइजीरिया इज द लास्ट अफ्रीकन कंट्री टू डिक्लेयर फ्री। अच्छा, मतलब हर जगह से करते करते नाइजीरिया बचा था, वहां से भी खत्म कर दिया। ठीक है, अब अफगानिस्तान पाकिस्तान भैया बहुत बेइज्जती है, अब मतलब इंडिया ज्यादा दूर नहीं है उससे। 135 केसेस आप देखेंगे यहाँ पर, और 240 सच केसेस देखेंगे आप अफगानिस्तान पे। अफगानिस्तान तो अब गया। भारतीय रेलवे की निम्नलिखित में से कौन सी इकाई यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है? वाह, ये तो मैं कम जानता था, मैं टिक लगाता तो नॉर्दर्न फ्रंटियर रेलवे पर ही, मैं नॉर्दर्न फ्रंटियर रेलवे पे लगाता, लेकिन अब मैटर क्या करता है कि ये यूनेस्को भैया कहाँ किसको ले ले। जहां तक मुझे याद है कि कोंकण है ना, तो वेस्टर्न घाट पूरा का पूरा यूनेस्को में आता है। चलो देखते हैं ये ऑप्शन या ये ऑप्शन होगा, क्या बोल रहे हो अजय? तो छत्रपति शिवाजी लगा दिया बंदे ने, वाह, तो बिल्कुल सही, वाह वेरी गुड, बहुत अच्छे। यूनेस्को ने, यूनेस्को का फुल फॉर्म देखो, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। वैसे तो नेचुरल मिक्स और कल्चरल की तो करता है ये, नेचुरल मतलब अगर हम बोलें कि एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल के साथ साथ नेचर की भी वो प्रोटेक्शन करता है, देखा होगा नंदा देवी, केवला देव, ये सब। खैर, यूनेस्को ने 16 नवंबर 1945 को पेरिस फ्रांस के हेडक्वार्टर है यहाँ पर, उसने
चलो ऑप्शन डी है, छत्रपति शिवाजी इतना सफिशियंट है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने हाल ही में ई पेस और इन्फ्रैकन सुविधाएं शुरू की। अब ई पेस और इन्फ्रैकन लग क्या रहा, ई पेस पेस स्पीड को कहते हैं, अब रेल मंत्रालय या फिर सड़क परिवहन, नागरिक उड्डयन मंत्रालय भी लगा, शहरी विकास लगा, किस पर टिक लगाओगे। 46 का डी हो गया, 47 का बताओ। तो राइट आंसर है भैया इंफ्राकॉन और ई पेस एंड अप स्कैलेट इनाम प्रो फैसिलिटीज वर लॉन्च्ड बाय यूनाइटेड गवर्नमेंट ऑफ द रोड ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अब इसको पढ़ो, डिटेल है क्या, इतना लंबा चौड़ा लिखा है। ई पेस और इंफ्राकॉन के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। इज अ प्रोजेक्ट अप्रेजल एंड कंट्रीब्यूटिंग इनहेंसमेंट एंड ऑनलाइन इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS प्रोजेक्ट्स फ्रॉम ऑल द विंग्स ऑफ यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, अ कॉमन प्लेटफॉर्म इंजोरिंग। अच्छा चलो, ई मतलब पोर्टल हो गया इसका, पेस गाड़ी की गति से संबंधित कुछ नियम कानून, ठीक है ऐसे समझ लेते हैं। चेकिंग वॉकिंग इजी होगी, ओके। और इंफ्रा कौन क्या है, इंटरनेशनल पोर्टल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, वो भी सड़क निर्माण, वो भी अच्छा इंफ्रा था, हो इंफ्रा बोल दिया था तो हम लोग को सड़क ही लगाना चाहिए था। अजय थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, मिसचेक हो गई हम लोगों से। स्किप करूंगा, ठीक है कोई नहीं, कॉमन सेंस लगाते, देखो इंफ्रा मिल गया ना, इंफ्रास्ट्रक्चर सड़क वड़क ही तो होता है। चलो खैर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोई नहीं। दिसंबर 2022 1922 में वार्षिक सम्मेलन के बाद स्वराज पार्टी का अध्यक्ष कौन था। गया में वार्षिक सम्मेलन हुआ था, 2022 की बात कर रहा, इसी समय गांधी जी ने अपना बैक स्टेप लिया था, चौरी चौरा कांड। तो उस समय विट्ठल भाई पटेल, चितरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस तो नहीं थे यार, क्योंकि 38-39 में सुभाष चंद्र बोस बने हैं और ये 22 पूछ रहा है। मोतीलाल नेहरू 23 में बनाए हैं, समझे। अब विट्ठल भाई पटेल और चितरंजन दास, एक ऑप्शन समझ में आ रहा मुझे, क्या बोल रहे हैं अजय, किस पर टिक लगाओगे। तो राइट आंसर क्या कह रहा है देखते हैं। राइट आंसर है भैया चितरंजन दास वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द स्वराज पार्टी, सही आंसर है, वेरी गुड। बस आधे घंटे और बचे हैं, आधे घंटे पूरी क्लास चलेगी, धैर्य बनाए रखना, ठीक है। चितरंजन दास प्रेसिडेंट ऑफ स्वराज पार्टी 1922 के समय की बात है, उसके बाद अलग हो गए थे वो, मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास दोनों में ने मिलकर कांग्रेस के खिलाफ, गांधी जी के सरेंडर करने के बाद कांग्रेस के खिलाफ 1 जनवरी को 23 में पार्टी बनाई थी। तो यही वो सीआर दास है, मोतीलाल नेहरू के साथ जो चले गए थे। पटेल ने और राजेंद्र प्रसाद ने बहुत समझाया, लेकिन नहीं, गांधी जी की एक्टिविटीज से कि यार कन्याकुमारी में आग लगी और कश्मीर में आप एक्शन ले रहे हैं, तो ये चीज को लेकर गांधी जी से बहुत नाराज थे लोग, ठीक है। खैर चलेंगे आगे बढ़ेंगे, गया सेशन में सी आर दास ने उसकी प्रेसिडेंसी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया फॉर इंडियंस, भारत भारतीयों के लिए, ये किसने लिखा हुआ। अरे ये तो नारा था दयानंद सरस्वती का, दयानंद सरस्वती से ही इंस्पायर्ड होकर आर्य समाज के संस्थापक, इनसे ही इंस्पायर्ड होकर शुद्धिकरण आंदोलन, भारत भारतीयों के लिए है, गो बैक टू वेदास, इस तरह की बातें करते रहते थे ये। आर्य समाज के संस्थापक थे, इनसे इंस्पायर्ड होकर
बताएंगे किसने, सी आर दास ने, राणा दे ने, राणा सावरकर ने, या बैनर्जी ने, किसने आखिर ये किताब लिख दी, इंडिया फॉर इंडियंस? तो बताएंगे राइट आंसर है ए ऑप्शन, चितरंजन दास, देश बंधु चितरंजन दास कहते हैं ना इनको। 5 नवंबर 1970 को इनका जन्म हुआ था। इंग्लैंड में पढ़ने गए, फाइनली टू वॉल्यूम्स में इन्होंने अपनी पब्लिश की पोयम मालांछा एंड माला, दास डाइड ऑन द सेवर फीवर, दार्जिलिंग में मरे थे। ठीक है चलो, खैर सी आर दास नहीं, इंडिया फॉर इंडियंस लिखा था, दयानंद सरस्वती से इंस्पायर रहे थे। निम्नलिखित व्यक्तियों से किसने 1925 में, इसमें गांधी जी जेल से छूट गए थे और लगे थे भजन कीर्तन में, स्व सम्मान आंदोलन शुरू किया 1925? 22 से लेके 30 तक ऐसा कोई बवाल नहीं हुआ था, छोटे मोटे लोग जो है विरोध करने की कोशिश कर रहे थे, ब्लैक मतलब वो अंधकार युग कहा जाता, डार्क एज कहा जाता उसको, पेरियार, ईवीआर, स्व सम्मान, खुद का सम्मान करो, सेल्फ रिस्पेक्ट आंदोलन चलाई थी, वैकुंठ स्वामी गल, संत रामलिंग, ईश्वर चंद्र, विद्यासागर, किस पर टिक लगाओगे 1925 का? ये सेशन यार बहुत सी चीजें ऐसी हुई जो पढ़ना पड़ेगा, कोशिश करो क्या बोले पब्लिक। तो याद रखेंगे ऑप्शन एक सही है, रामा स्वामी ईवीआर, पेरियार ईवीआर, इनका पूरा नाम था पेरियार ईवी रामा स्वामी, ग्रेट सोशल रिफॉर्मर थे, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट 25 में इन्होंने चलाई थी, विडोहुड के लिए, चाइल्ड मैरिज एक्ट के लिए, कास्ट सिस्टम के लिए, इंटर कास्ट मैरिज के लिए इन्होंने आवाज उठाई थी। ठीक है चलिए, बहुत सारे रिचुअल्स जो है इन्होंने कहा खुद से कराए कि भैया किसी यज्ञ हवन की कोई जरूरत नहीं, न करने की जरूरत है न करने देंगे। ठीक है चलिए, खैर आगे बढ़ते हैं, खत्म नहीं हुआ है, और भी सारी चीजें हैं। ठीक है तो जस्ट अभी न्यू स्लाइड ऐड करने जा रहा हूं, किसी कुछ कहना पूछना है कह पूछ लो। एक बार कमेंट कर दो कि सारी बातें क्लियर आ रही हैं, समझ, कौन कौन देख रहा है वीडियो। तो चलो ठीक है, ओके, आज की क्लास यहाँ खत्म होती है। अगली क्लास जो हमारी चल रही है वो चलेगी टेलीग्राम चैनल से जुड़ो, ढेर सारे पीडीएफ मिलेंगे इसमें, प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लो जिसमें हमें लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट सीरीज, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस के साथ पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइन, स्टडी मटेरियल और साथ ही साथ स्टडी प्लानर भी मिलेगा। अगर सब्सक्रिप्शन लेना है तो मेरा कोड लगाओ कृषि007, ठीक है, और साथ ही पाओ ढेर सारे 10% का डिस्काउंट। अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो ये 9,680 का ना पढ़ के 8,712 का पड़ता है, 10% डिस्काउंट में। तो ये हर जगह यूनिवर्सल कोड काम करता है, नीट में, एसएससी में, बैंक में, आईएएस में, आईआईटी में, कैट में, ठीक है, तो हर जगह ये कोड काम करेगा। इवन 6 to 12 का भी सब्सक्रिप्शन लेना है अनअकैडमी पर तो लगा सकते हो, ये कोड का स्क्रीनशॉट रखो, कहीं किसी को जरूरत पड़े रिकमेंड कर जरूर दो, और अभी सब्सक्रिप्शन लेना है तो ले लो, 1 घंटा आधा घंटा बचा हुआ है। अजय मैं हूं, नहीं आज, अजय अभी नहीं, अब कल से चलेगी ऐप पर, अभी अगली क्लास जो है लॉगिन करने जा रहा हूँ इंग्लिश की, ठीक है, तुरंत पहुंचो वहां पर। आज के लिए थैंक यू, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो, ठीक है, जस्ट लॉग इन कर ही रहा हूँ, और बेल आइकॉन को दबाओ, और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो आप इनसे बहुत सारी